आज का जो टॉपिक है वो है वी विल डिस्कस पेपर वन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एज कंडक्टेड बाय यूपीएससी ऑन 29th of September। अमित वेलकम एंड रौनक वेलकम, एवरीवन वेलकम, नमन जैन, शीतल सिंह, राधिका बंसल, विशाल चौधरी, स्ट्रगलर आल्सो, शिवम केडिया, गोकुल। So most of the candidates are that of rankers classes, right? And one request is there, unless you have to speak, please keep your voice muted so that there is no intervention or disturbance in our discussion, right? In the background, moderators are also sitting. So if there is any problem on the part of any, so moderator may remove that participant because at that point of time we cannot discuss the issues. We have to focus on academics only, right? So today we will discuss in detail paper one. Paper one mein ho sakta hai 2.5 hours max 3 hours lagne chahiye, kyunki sirf meeting the faces nahi hai कि चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया. वी वॉन्ट टू डिस्कस एवरी क्वेश्चन इन सफिशियंट डिटेल सो दैट यू लर्न, ठीक है. सो लर्निंग के लिए आपको यू मस्ट नो 3 things अबाउट एवरी क्वेश्चन, दैट इज व्हाट वाई एंड हाउ. मीन्स व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑल्सो नो व्हाई दैट इज आस्क्ड. अगर आपको व्हाई का पता है किसी क्वेश्चन का तो आप हाउ अच्छी तरह से लिख देंगे. सबसे पहले व्हाट का पता होना चाहिए, फिर व्हाई का पता होना चाहिए, उसके बाद हाउ. व्हाट द क्वेश्चन इज वो रीडिंग करने से पता चलेगा, फिर उसकी बैकग्राउंड क्या है. जैसे पहला ही क्वेश्चन देखेंगे आप, ब्रीफली एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ AS7. यू आर आस्क्ड सिग्निफिकेंस, मतलब सिग्निफिकेंस तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा ही नहीं है, लेकिन यूपीएससी का ट्रेंड है, यूपीएससी प्रोविजन नहीं पूछता, यूपीएससी पूछता है सजेशंस दीजिए AS7 को इंप्रूव करने के, AS2 को इंप्रूव करने के सजेशंस दीजिए. देखिए ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है जो आपसे प्रोविजंस जाने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है जिसमें यूपीएससी वांट टू सिलेक्ट दोज हु आर गुड डिसीजन मेकर्स, एंड ए गुड डिसीजन मेकर इज वन हु कैन आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एनीथिंग. आपने जीएस में भी देखा होगा, कॉमर्स में भी, कोई भी कंसेप्ट है, थ्योरी है, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मींस सिग्निफिकेंस लिमिटेशंस यूपीएससी पूछता है, और वे फॉरवर्ड भी आपको लिखना होता है जीएस में जैसे आप लिखते हैं, राइट. सो यू मस्ट नो सिग्निफिकेंस ऑफ एनीथिंग, राइट. उसी परस्पेक्टिव से क्वेश्चन. सो व्हाट व्हाई एंड हाउ, ये तीनों चीजें ध्यान में रखनी है. अगर आप किसी भी क्वेश्चन में व्हाट व्हाई एंड हाउ का पता लगा लेते हैं, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू identify demand of the question and answer it well, right? So एक एक करके स्टार्ट करते हैं और बीच में हम दिशा अग्रवाल को इन्वॉल्व करेंगे. दिशा इज हेयर ऑनलाइन, राइट. सो दिशा, यू कैन टेक यूर क्वेश्चन फर्स्ट, इनकम टैक्स क्वेश्चन, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम डिस्कशन, राइट राइट. ओवर टू दिशा. नो यू आर ऑडिबल, सो कैन यू शेयर योर स्क्रीन. Through Apple Power or App Power or some app. No problem. By that time, I will take Accounting Standard 7. You know, Accounting Standard 7 deals with the accounting for construction contracts. Construction contracts. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दो ही बातें हैं कि रेवेन्यू की रिकॉग्निशन कैसे करें और उसके एक्सपेंस का रिकॉग्निशन कैसे करें, ठीक है. तो उसके टेक्निक्स दे रखे हैं. तो रेवेन्यू एक चीज होगी, एक्सपेंसेस दूसरा चीज हो गया, टेक्निक्स तीसरा चीज हो गया. तो बस इन्हीं के ऊपर आपको 5-6 बेनिफिट्स लिखने थे कि इट हेल्प्स प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू कंसीडरिंग ड्यू अमाउंट और अक्रूड अमाउंट, मतलब नीदर ओवर रिकॉग्निशन नॉर अंडर रिकॉग्निशन. फॉर एग्जाम्पल प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड है, तो आप ज्यादा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे. और रेवेन्यू अगर सही रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर यू कैन आइडेंटिफाई कंसर्न एक्सपेंसेज, सो यू कैन डिवाइड एक्सपेंसिज अक्रॉस द पीरियड, सो इट हेल्प्स एक्यूरेट
सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट अक्रॉस पीरियड से, सो कॉस्ट सही आएगा, तो कॉस्ट सही आएगा तो क्या होगा आपका प्रॉफिट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ट्रू एंड फेयर। ठीक है, ये तो चार पांच बातें होगी और उसके बाद लिखना है दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड अकाउंटिंग मेथड यूज्ड। तो इस तरह से 5-6 पॉइंट्स ऑफ यूज हैं जो इसमें लिखने थे। हाँ, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना था AS 7 डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉस्ट एसोसिएटेड देयर विद। इट प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, और कंक्लूजन में लिखना था इन दिस मैनर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स मैनेजमेंट टू एक्यूरेटली रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड कॉस्ट एंड थेरबाय प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन में किस चीज से डील करता है AS 7 और कंक्लूजन के अंदर। यस दिशा, सो व्हाट वी इंटरप्रेटेड फ्रॉम दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज दैट इफ देयर इज एनी चेंज इन द प्रोविजन वी मस्ट गो टू द ओल्ड प्रोविजन, मस्ट रीड न्यू प्रोविजन आल्सो, मस्ट रीड ओल्ड प्रोविजन आल्सो, राइट, वेदर इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल और नॉट। दो इन योर सिलेबस इंडिविजुअल्स आर कवर्ड बट वी शुड सी न्यू प्रोविजन एंड ओल्ड प्रोविजन इफ देर इज एनी चेंज एंड सिंस इट वॉज इमीजिएटली बिफोर द मेन्स एग्जामिनेशन जस्ट 2 मंथ्स बिफोर, सो इट वॉज वेरी नेचुरल टू हैव दिस, राइट राइट। सो वी कैन हैव 1 मिनट ब्रेक एंड देर आफ्टर विल स्टार्ट माई पार्ट। ठीक है, मैं अपना पार्ट स्टार्ट करूँगा। थैंक यू दिशा, थैंक यू वेरी मच एंड वी विल शेयर ऑल ऑफ दिज मॉडल आंसर्स विद ऑल ऑफ यू। PDF शेयर कर दिया जाएगा, वी विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, राइट। कॉमर्स के लिए न्यूज़पेपर फॉलो करने के लिए हिंदू, जस्ट हिंदू इज इनफ, देर इज नो नीड टू गो फॉर एनी स्पेशल न्यूज़पेपर, सेपरेट न्यूज़पेपर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन माई डिस्कशन आई विल फोकस अपन नॉट ओनली पास्ट फ्यूचर ऑल्सो बिकॉज फ्यूचर इज मोर इम्पोर्टेंट, पोस्टमार्टम तो कोई काम का नहीं है, हमें फ्यूचर में क्या उससे बेनिफिट मिलता है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ Accounting Standard 7। Accounting Standard 7 मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंस ऑफ एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इफ यू नो द प्रोविजन ऑफ एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यू कैन राइट द सिग्निफिकेंस। ठीक है, दो वी डिडेंट कवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में 3 ही चीजें हैं, हाउ टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, हाउ टू रिकॉर्ड कॉस्ट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, राइट। इफ यू नो हाउ टू रिकॉर्ड रेवेन्यू, देर आर 2 टेक्निक्स, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मैथड, प्रपोर्शनेट कंप्लीसन मैथड, राइट। सो यू आर आस्ट बेनिफिट्स ऑफ ऑल दीज और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दीज, सो वी कुड राइट सिग्निफिकेंस दैट इट हेल्प्स एक्यूरेट रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, accurate recognition of cost and thereby accurate profit. It also requires a disclosure of accounting policies, so brings transparency and well-informed view of the readers. So future में भी किसी भी accounting standard की significance भी आ सकती है। Past में UPSC ने suggestions पूछे हैं, what are the suggestions, what suggestions you will give with regard to depreciation, with regard to inventory, right? तो हमें फ्यूचर में भी जो है सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करना है। तैयार नहीं करें तो उसके प्रोविजंस अगर आपको याद हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो आप कहेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 प्रिवेंट्स ओवर वैल्यूएशन, प्रिवेंट अंडर वैल्यूएशन, राइट, इट एम्फेसाइज कंजर्वेटिज्म सो दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट रिलाइजेबल वैल्यू बट इट इज नॉट ओवर स्टेटेड, सो विंडो ड्रेसिंग इज प्रिवेंटेड बाई दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाई फॉलोइंग कंजर्वेटिज्म। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज separately various kinds of inventory, method disclose karna padta. It also prevents the management from changing method of inventory valuation time and again. Uske upar bhi ban hai, matlab that is restricted. So is tarah se significance har ek accounting standard ki aap likh sakte hain, lekin uske liye provision ki knowledge hona zaruri hai, right? इस समय राइट इशू का टाइम आ रहा है, राइट इशू, पब्लिक इशू, फॉलोन इशू, सब कुछ चल रहा है। तो राइट इशू वाज हॉट टॉपिक एंड शायद आज तक राइट इशू पूछा भी नहीं था यूपीएससी ने,
राइट इश्यू, शायद मैंने नोट्स में लिखा हुआ है राइट इश्यू नॉट येट आस्ट, ऐसा लिखा था. ठीक है, द क्वेश्चन है कि व्हाई कंपनीज इश्यू राइट शेयर, व्हाई. ठीक है, राइट इश्यू आपको इंट्रोडक्शन में मीनिंग लिखना चाहिए. राइट इश्यू मीन्स इश्यू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. व्हाई में आपको अगर राइट इश्यू का मीनिंग अच्छी तरह से पता, यू कैन राइट द आंसर व्हाई. इट हेल्प्स मेंटेन कंट्रोल ऑफ द प्रमोटर्स बिकॉज यू आर इश्यूइंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, यू आर नॉट इश्यूइंग शेयर्स टू द न्यू शेयर होल्डर्स. अगर आप न्यू शेयर होल्डर को इश्यू करेंगे तो आपका प्रपोर्शनेट राइट कम हो जाएगा, कंट्रोल में शिफ्ट इन अदर हैंड्स. उसके बाद फंड रिक्वायरमेंट भी पूरा करता है, उसके बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी पूरा करता है. सो दीज आर द 3-4 बेनिफिट्स यू कुड राइट. एंड हाउ आर राइट शेयर्स डिफरेंट फ्रॉम बोनस शेयर्स, आपके नोट्स में टेबल दे रखा है, देख लेना चाहिए टेबल. ठीक है, मैंने 4-5 टेबल दे रखी है नोट्स के अंदर, आपने देखा होगा. राइट, डिफरेंस बिटवीन बोनस शेयर एंड राइट शेयर, डिफरेंस बिटवीन बायबैक ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ शेयर्स. सो वो टाइप सारे टेबल इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग. डेफिनेटली इसमें आपको मीनिंग लिखना चाहिए और उसके 3-4 फीचर लिखने चाहिए. ऑलवेज आई टेल व्हेन यू आर आस्क्ड व्हाट, तो उसका सिर्फ मीनिंग लिखना काफी नहीं होता. अभी मैंने 10 दिन पहले जॉब कॉस्टिंग की क्लास ली थी, तो मैंने बताया था, क्या बताया था, फीचर्स याद करो, 4-5 फीचर्स याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग. ठीक है, एंड डिफरेंस फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग. ठीक है, टेबल आपके नोट्स में दे रखा है, आपको डिफरेंस ये लिखना था. डेफिनेटली इसके ऊपर आपको लिखने चाहिए अराउंड 60-70 वर्ड्स एंड ऑन दिस यू शुड राइट अराउंड 80-90 वर्ड्स. और कंक्लूजन कॉमन जरूर होना चाहिए, कंक्लूजन जिसे बोलते हैं ना वैल्यू एडेड. सो लिख सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग हेल्प्स बेटर रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ रेवेन्यू एंड हेल्प्स मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. राइट, तो उसकी यूटिलिटी लिख सकते थे कंक्लूजन में. ठीक है, सो दैट शुड हैव बीन द आंसर टू व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग. ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया 2 years पहले, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. राइट, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है अमलगमेशन पे. इस बार अमलगमेशन पे नहीं, इस बार क्वेश्चन है अब्जॉर्प्शन पे क्वेश्चन है. सी यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चंस इन ए सीक्वेंस, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्शन रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. ठीक है, अमलगमेशन का मतलब क्या है, यू आर गिवन 2 बैलेंस शीट्स एंड यू हैव टू मर्ज बोथ एंड मेक वन. ऐसे क्वेश्चन को हाथ मत लगाना अनलेस अदरवाइज यू आर वेल प्रिपेयर्ड. हाँ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यू आर गिवन 1 बैलेंस शीट ओनली, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन यू आर गिवन 1 बैलेंस शीट ओनली, अब्जॉर्प्शन यू आर गिवन 1 बैलेंस शीट ओनली. सो इट वॉज क्वेश्चन ऑफ अब्जॉर्प्शन. ये बी कंपनी का बैलेंस शीट, इट वॉज अब्जॉर्ब बाई कंपनी ए. बैलेंस शीट लेंदी देखकर नहीं डरना, क्योंकि इसमें आइटम सारी काउंटेड आइटम्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. अगर आप बैलेंस शीट भी बनाएंगे तो 7 आइटम यहां आ जाएंगे और 7 आइटम्स यहां पे आ जाएंगे. सो डोंट गेट वरीड बाय ए लेंथी क्वेश्चन बिकॉज इट इज बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म. वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट है, न्यू फॉर्मेट में बैलेंस शीट है, इसके कारण आपको लेंथी लग रहा है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है. अगर हम इसको काट भी दें तो भी हमारा जो है टोटल वही आएगा 33,80,000 बोथ साइड्स का. सो नई बैलेंस शीट में आपको वर्क ज्यादा करना पड़ता है, डिस्क्लोजर्स ज्यादा करने पड़ते हैं. राइट, तो कभी भी न्यू बैलेंस शीट के क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है. इंफॉर्मेशन काउंटेड वही है, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल. सो आपको लायबिलिटी साइड में होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आइटम, एसेट साइड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, पेपर सेटर ने टोटल 14 आइटम्स पूछी हैं. राइट, चाहे टी फॉर्मेट में रख लीजिए या वर्टिकल फॉर्मेट में. राइट सर, न्यूमेरिकल्स आर डिफिकल्ट. डिफिकल्ट है उनके लिए जिनकी प्रैक्टिस नहीं है. रैंकर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो डिफिकल्ट है नहीं, एंड कोमल शर्मा आपके लिए भी डिफिकल्ट नहीं होंगे, श्योर. और उसके बाद था आपका जो है परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना. जैसा कि हम डिस्कस करते हैं, परचेज कंसिडरेशन इंक्लूड द ओनली पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे वही इंक्लूड होगा, बाकी पेमेंट इंक्लूड नहीं होती है. ठीक है, सो पहली जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर को है, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन. ये डायरेक्ट पेमेंट होगी. दूसरा पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, दैट विल बी इंक्लूडेड इन पीसी. थर्ड पेमेंट इज प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर, दैट विल बी इंक्लूडेड इन पीसी. फोर्थ पेमेंट है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, पीसी का पार्ट नहीं है. कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, इन्होंने जो है ऐसा लग रहा है डराने के लिए इतना खुला खुला लिख दिया, अदरवाइज ये कितनी जरूरत है इसकी. राइट, इट कुड बी रिटन इन हाफ पेज ओनली, लेकिन 2 पेजेस में लिख दिया. सो इट इज मोर ए साइकोलॉजिकल एग्जाम. राइट, सो इट वॉज डुएबल विद इन 20 मिनट्स.
ठीक है, तो इसके अंदर यू आर आस्ट जर्नल एंट्रीज ओनली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड है अक्वायरिंग कंपनी, बी लिमिटेड है ट्रांसफरर कंपनी। इट इज इजी टू मेक एंट्रीज इन द बुक ऑफ अक्वायरिंग कंपनी। उसमें चार या पांच एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर अकाउंट, दूसरी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट, एंड थर्ड एंट्री इज पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। फोर्थ होगी लिक्विडेशन एक्सपेंसिस का, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसिस। सो देर वुड बी ओनली फोर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। लेकिन ट्रांसफरी कंपनी में जर्नल एंट्री आप ऐसे ही पास नहीं कर सकते। ट्रांसफरी कंपनी में, सॉरी ट्रांसफरर कंपनी, इन केस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी देर आर मेनी एंट्रीज। फर्स्ट एंट्रीज ऑफ ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ ट्रांसफर से नहीं होगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एज पर रियलाइजेशन अकाउंट ऑल्सो, तो वो बनाना पड़ेगा आपको, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन योर वर्किंग नोट्स। इसका सोल्यूशन भी साथ साथ ले लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट इन वर्किंग नोट्स। बिना उसकी रिलाइजेशन अकाउंट बनाए, तो रिलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया, उसमें प्रॉफिट आया 9,75,000, उसका एंट्री होगा। फिर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट बनाना है, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो अकाउंट है दैट शुड मैच विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑल्सो। फाइनल जो पेमेंट है मैच होनी चाहिए। मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी वॉज नॉट ईजी। हाँ, कंसेप्ट इसमें डिफिकल्ट नहीं थे, कंसेप्ट इसमें एकदम सिंपल थे, कंसेप्ट्स वर सिंपल। लेकिन आपका जो है ना अच्छा होल्ड होना चाहिए, जब तक कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी अमलगमेशन में, ऐसे क्वेश्चन में आप 40-50 मिनट या 1 आवर लगा देंगे, आपके ये दोनों अकाउंट मैच नहीं होंगे। बिकॉज इन अमलगमेशन अकाउंटिंग द बुक ऑफ ट्रांसफर कंपनी द बैलेंस इन कैश एंड बैंक अकाउंट एंड बैलेंस इन इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट शुड मैच विद ईच अदर, और फिर उनकी आपको एंट्रीज करनी है। देन यू विल मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। पहले एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देयर आफ्टर लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देयर आफ्टर परचेज कंसीडरेशन बिकमिंग ड्यू, एंड देयर आफ्टर पेमेंट्स, पेमेंट्स आर मेड, डायरेक्ट पेमेंट्स आर मेड, देयर आफ्टर वर्कमैन कंपनसेशन का एंट्री, देयर आफ्टर रियलाइजेशन के ऊपर प्रॉफिट है, देयर आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट एंट्रीज। और ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, आपको मॉडल आंसर मिलेगा, उसमें आप देखेंगे। बट इट वॉज रियली डुएबल क्वेश्चन, क्योंकि only one company was given. Definitely two companies में problem आती है, since you are given one company only, since you are given a tallied balance sheet. जब आपको tallied balance sheet मिलती है ना, 33,80,000, 33,80,000, उस केस में error के chance कम है। If you are given a tallied trial balance and you are asked to prepare P&L and balance sheet, तो उसको बनाना आसान है। Tallied नहीं है, तो पहले तो difference निकालो, and thereafter you have to make treatment. हाँ, जो भी आप adjustment में जो भी treatment करेंगे, उसको दो जगह record कर दो आप। Then your balance sheet और then your accounting treatment would be accurate. अगर कहीं 100 रुपए कम कर रहे तो कहीं 100 रुपए आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक जगह 100 रुपए कम करोगे तो दूसरी जगह 100 रुपए कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीसी में 100 रुपए कम हो गया, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट भी 100 रुपए से कम हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन डेथ वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। जो पीछे के क्लासरूम कोर्स के स्टूडेंट्स, उनको अच्छी तरह से पता है, हमने क्वेश्चन लिए हैं हर्षित, ये बाई बैक ऑफ शेयर के क्वेश्चन लिए हैं। It was a question on buyback of shares and a very easy question was asked. You were not expected to do 3 tests. 3 tests करने की जरूरत ही नहीं थी। वैसे buyback of share के में आपको 3 tests करने पड़ते हैं। पहला test है कि number of equity shares you can purchase. Second test is resource test. And third test is debt equity test. वो test नहीं था। यहाँ पर तो सीधा सीधा दे रखा 20% of equity share capital. So you could do. हाँ, लेकिन यहाँ पर catch क्या था? कि इन्फॉर्मेशन लैक्स में नहीं दे रखा, ये थाउजेंड्स में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। सो पहले 1,000 इन्फॉर्मेशन को फिर लैक्स में कन्वर्ट करो, और फिर बैलेंस शीट भी आपको वापस 1,000 में ही बनाना देना है, क्योंकि इफ बैलेंस शीट इज गिवन इन थाउजेंड्स, तो आप अपना सॉल्यूशन भी 1,000 में ही करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन ईजी है इसका, 15 marker क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट का सेल है, यू नो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो, अगर लॉस है सेल पे बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दूसरा एंट्री हो जाएगा बाईबैक का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तीसरा एंट्री हो जाएगा उनको पेमेंट का, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फोर्थ एंट्री हो जाएगा CRR क्रिएट करने का, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन न्यू शेयर्स वर नॉट इश्यूड। इन केस न्यू शेयर्स नॉट इश्यूड,
अमाउंट इक्वलेंट टू फेस वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर, फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे सीआरआर में. सो वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट, ठीक है. हाँ, और प्रीमियम बाईबैक ऑफ शेयर है उसको भी हम चार्ज करेंगे. एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं इसका. सो सोल्यूशन, सो एट फर्स्ट 50 इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 वर सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20% बिकॉज दे रियलाइज्ड 80% ओनली, दे रियलाइज 50 लाख ओनली. सो पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट सेल की हो गया, दूसरा एंट्री बायबैक की हो गया, तीसरा एंट्री पेमेंट का, फोर्थ एंट्री सीआरआर क्रिएट करना और प्रीमियम राइट ऑफ करना. सो बायबैक ऑफ शेयर्स में काउंटेड एंट्रियां होती हैं, मैक्सिमम 7-8 एंट्रीज होती हैं. हाँ, उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी टैलीड बैलेंस शीट दे रखी है तो बैलेंस शीट बनाना आसान है. लेकिन यहां पर रिक्वायरमेंट क्या है, यू शुड हैव गुड होल्ड ओवर फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट. फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट में गुड होल्ड होना चाहिए. यू नो देर आर टू आइटम्स इन द एसेट साइड एंड थ्री आइटम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड. एसेट साइड में है नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट, लाइबिलिटी साइड में है इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी. यहां पर तो बैलेंस शीट गिवन था, सो यहां पर जो है हमें, हाँ, लेकिन हमें बैलेंस शीट बनानी चाहिए उसी करेंसी में जिस करेंसी में क्वेश्चन दे रखा है. करेंसी क्वेश्चन दे रखा था 1000 में, सो वी मेड द बैलेंस शीट इन 1000. ऑलरेडी 6 लाख शेयर थे, 1,20,000 शेयर हैव बीन बॉट बैक, सो 4,80,000 रिमेनिंग. सो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 48 लाख इज रिमेनिंग. प्रेफरेंस शेयर को बिल्कुल टच नहीं किया, कैपिटल रिजर्व को टच नहीं किया. हाँ, रेवेन्यू रिजर्व में से हमने यूज कर लिया. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना जरूरी है इक्वलेंट टू फेस वैल्यू. आपको पता है इन केस बायबैक इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सो एन अमाउंट इक्वलेंट टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बोट बैक वुड बी ट्रांसफर टू सीआरआर. बाकी पीएनएल से जो है आपने राइट ऑफ कर लिया, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स, ठीक है. देर इज नो इम्पैक्ट हेयर, देर इज नो इम्पैक्ट हेयर, देर इज नो इम्पैक्ट ऑन दिस. यस, इन्वेस्टमेंट्स गोट रिड्यूस्ड बाई ₹60 लाख, ठीक है. एंड योर कैश गोट इंक्रीज बाई 50 लाख, रिड्यूस्ड बाई 18 लाख. सो बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी, ठीक है. टोटल बैलेंस शीट में से आपका कितना निकल जाएगा, सिर्फ 18 लाख निकल जाएगा, 18 लाख. तो अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में कितनी बैलेंस शीट दे रखी है, 23 लाख. सो 2 करोड़ 35 लाख माइनस 18 लाख, तो आपके पास बैलेंस शीट पार्डन, सो यू आर लेफ्ट विद 2 करोड़ 7 लाख, 2 करोड़ 7 लाख ना, 2 करोड़ 7 लाख. 28 लाख से, राइट. सो दिस बैलेंस इट इज टेलिंग हेयर. यू आर हैविंग एनी क्यूरी यू कैन आस्क. देखिए, इसका फायदा उनको ज्यादा मिलेगा जिन्होंने पहले से स्टडी कर रखा है, क्योंकि हम कंसेप्ट अब पढ़ा नहीं पाएंगे. दिस हैज ऑलरेडी बीन टेकन, 2C हैज ऑलरेडी बीन टेकन. सो क्वेश्चन नंबर टू वॉज रियली वेरी गुड, क्योंकि यू कुड राइट क्वेश्चन नंबर वन अमलगमेशन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन अब्जॉर्प्शन, क्वेश्चन नंबर टू बायबैक ऑफ शेयर्स, एंड क्वेश्चन नंबर टू सी आप लिख सकते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. इसके ऊपर आप, यू कैन गेट 8 out of 10 मार्क्स. एंड ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट दैट वॉज गिवन इन योर नोट्स ऑल्सो यू कुड गेट डेफिनेटली. क्वेश्चन नंबर टू में यू कैन गेट आउट ऑफ 50 यू कैन गेट 45-40 मार्क्स, इतना पक्का ले सकते थे. बहुत अच्छा स्कोर है 840 मार्क्स मिलना. क्वेश्चन नंबर 3A में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3A, जो भी रैंकर्स क्लासेस की क्लासेस कर चुके हैं, हर साल में ये क्वेश्चन क्लास टेस्ट में रखता हूं. हर्षित, आपने क्लास किया हुआ है ना कॉस्ट अकाउंटिंग का, आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वो देखना क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन WIP पे रखता हूँ, शायद PYQ में भी है ये, PYQ डेफिनेटली. लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था वो था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट पे, लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, बिफोर दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन प्रोसेस लॉसेस. हालांकि वी डिडेंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग दिस ईयर, बिकॉज अगर पास्ट ट्रेंड को देखें तो UPSC आस्क क्वेश्चन ऑन प्रोसेस कॉस्टिंग आफ्टर 4-5 ईयर्स ओनली. लेकिन अब UPSC ने बता दिया कि हम UPSC हैं, ठीक है, हमें ज्यादा जो है टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कीजिए, ठीक है. स्टिल दिस क्वेश्चन वॉज डुएबल इसलिए था, इसमें कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, बिकॉज इन केस ऑफ WIP क्वेश्चन अगर ओपनिंग स्टॉक है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला,
या तो आपको लीफो अप्लाई करना पड़ेगा, फीफो या वेटेड एवरेज, लीफो अलाउड नहीं है, फीफो या वेटेड एवरेज आपको अलाउ करना पड़ेगा, तो इसमें वो नहीं था। इन दिस क्वेश्चन ओनली न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस वर गिवन 2000, यू आर गिवन फिनिश्ड प्रोडक्ट 1400, यू आर गिवन WIP 460, यू आर गिवन एक्चुअल लॉस 140, एंड जिस तरह से आप लोग करते हैं अपने नोट्स में, वैसे ही क्वेश्चन पूछा है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इवेल्यूशन बनाइए, प्रोसेस वन अकाउंट, प्रोसेस टू अकाउंट, सो वी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। 1785 दिस इज डैम इजी। सो यूनिट कॉस्ट 7 रुपी एंड यू कंडक्ट वैल्यूएशन ऑफ फिनिश्ड गुड सेपरेटली, अबनॉर्मल लॉस सेपरेटली, WIP सेपरेटली। सो WIP के कंसेप्ट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एडवांस्ड क्वेश्चन। एडवांस क्वेश्चन तब होता जब इस केस में यू आर गिवन ओपनिंग स्टॉक, इफ ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज गिवन, देन यू विल हैव टू अप्लाई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। उस केस में क्वेश्चन में टेक इट लॉट ऑफ टाइम, बट हेयर ओपनिंग स्टॉक वॉज जीरो, ओनली न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर 2000 वर गिवन एंड द आउटपुट वॉज गिवन। हाँ, इसमें अब नॉर्मल लॉस था, बिकॉज नॉर्मल लॉस वॉज जस्ट 100 यूनिट्स एंड एक्चुअल लॉस वॉज 140, सो वी हैड टू रिकॉर्ड abnormal loss. So abnormal loss, you know, abnormal loss is valued at full cost. So finished goods full cost, abnormal loss full cost, right? So we prepared process accounts also, we prepared abnormal loss account, and you know the balance of abnormal loss goes to the costing PNL. अब क्वेश्चन आया, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ फोरसाइट एंड नॉट स्पॉट मॉर्टम टर्न्स लॉसेस इनटू प्रॉफिट, स्पीड ऑफ एक्टिविटीज, यहां पर यू आर आस्क्ड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लास्ट ईयर भी पूछा था यूपीएससी ने सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन अनलेस यू नो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। इट इज अ सिस्टम ऑफ फोरसाइट, मीन्स इट हेल्प्स यू टू लुक अहेड, look ahead. So after doing cost analysis, you can think in advance. For example, fixed cost, you can look ahead that whether we produce or not, it will remain constant. Variable cost, what you look ahead, produce more, you will have to incur more. What you look ahead, if you know break-even point, you know that after break-even point, we will have profits only. Means aapko cost accounting ki various methods or techniques, budgets, उनकी यूटिलिटी लिखनी है फर्स्ट में, लुक हेड में। उसके बाद इट हेल्प्स मेक, इट टर्न्स लॉसेज इनटू प्रॉफिट्स, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं, लॉसेज इनटू प्रॉफिट्स मींस हाउ टू रिमूव लॉस मेकिंग प्रोडक्ट एंड हाउ टू मेक बेस्ट मिक्स। यहां पर आप CVP एनालिसिस का यूज लिख सकते हैं, दैट इट हेल्प्स मेक बेस्ट मिक्स डिसीजन, राइट। उसके बाद है स्पीड अप एक्टिविटीज, पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है तो वर्कर को पता होता है कि आई हैव टू डू दिस वर्क इन 2 आवर्स, आई हैव टू मेक दिस यूनिट बाई टेकिंग 1 kg रॉ मेटेरियल, या मैनेजर्स को पता होता है कि मेरा सेल्स बजट ये है, मेरा कॉस्ट बजट ये है। जब बजट्स होते हैं सो यू कैन मेक डिसीजन क्विकली, आपको सोचना नहीं पड़ता, राइट। तो यहां पर आपको मतलब पेपर सेटर ने दिमाग लगाया कि सारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पूछ लिया। एंड एलिमिनेट वेस्ट, एलिमिनेट वेस्ट मीन्स यू आर हैविंग स्टैंडर्ड्स, यू कैन आइडेंटिफाई अबनॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल आइडल टाइम, एंड यू कैन टेक स्टेप्स टू ओवरकम नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। सो योर नॉलेज ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स वर वेरी यूजफुल इन दिस क्वेश्चन 3B। तो इसने सभी चीजों के ऊपर पूछ लिया, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज प्रॉफिट प्लानिंग, राइट। इन क्वेश्चन का बहुत ज्यादा आप एडवांस में एस्टिमेशन नहीं कर सकते, यू शुड बी वेरी गुड इन योर कंसेप्ट्स। मतलब आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट सारी पता होने चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, इरेलीवेंट कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, देयर आफ्टर कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, कॉस्ट प्रॉफिट मेजरमेंट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉफिट प्लानिंग, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉर कॉस्ट कंट्रोल। तो आपको सभी कॉस्ट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, टेक्निक्स पता होने चाहिए, मेथड्स पता होना चाहिए, राइट। पेपर सेटर में आस्क चैलेंजिंग क्वेश्चन आल्सो। ऑडिट का क्वेश्चन कवर हो गया, टैक्स का क्वेश्चन कवर हो गया, राइट। व्हाट आर द कंडीशंस,
न्यूमेरिकल में वैल्यू एडिशन हो सकता है अगर कहीं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है तो. इफ डिसीजन मेकिंग इज इन्वॉल्व, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग और सीवीपी एनालिसिस, तो वहां पर आपको डिसीजन ही लिखना है. वैल्यू एडिशन ये हो सकता है कि यू कैन राइट यूटिलिटी ऑफ सिमिलर कंसेप्ट इन एक्चुअल वर्ल्ड. इसमें देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं. यस, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस कॉस्टिंग, नहीं इसमें तो स्पेस ही नहीं है. इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो स्पेस, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन मेकिंग सॉल्यूशन ओनली वुड बी टू चैलेंजिंग. आपको चार स्टेटमेंट बनाने, एक स्टेटमेंट 5 मिनट से कम नहीं लेगा, पार्टिकुलरली फर्स्ट 3 स्टेटमेंट 5 मिनट्स तो लेंगे. सो वैल्यू एडिशन के बारे में नहीं सोचना. इसलिए इन दिस मॉडल आंसर ऑल्सो आई डिड नॉट राइट एनी वैल्यू एडिशन. कैपिटल बजटिंग में होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग में होगा, वो चैप्टर अलग होते हैं. जो खासकर अकाउंटिंग के जो चैप्टर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग पीएनएल, प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, तो वहां पर यही चैलेंज होता है कि वी शुड बी एबल टू मेक कैलकुलेशंस एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सो फाइनल अकाउंट्स, अमलगमेशन, अब्जॉर्प्शन, रिकंस्ट्रक्शन, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है. यहां पर वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता. वैल्यू एडिशन होगा मार्जिनल कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मान लीजिए एडवर्स वेरिएंसेस आ गए, तो आप लिख सकते हैं दीज एडवर्स वेरिएंसेस कैन बी ओवरकम बाय टाइटनिंग द सुपरविजन, अरेंजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ मशीन्स, गिविंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. तो वैल्यू एडिशन हो सकता है, वो आपके टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन होता है. जरूरत नहीं है, नहीं 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 जरूरत नहीं है. हाँ आकाश, बिकॉज हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं. वैल्यू एडिशन तब बनेगी ना जब स्पेस हो. स्पेस नहीं है यहाँ पे, बिकॉज यू आर आस्क्ड वेरी स्पेसिफिक थिंग्स कि आपको ये कैलकुलेशंस करनी है. फिर चैलेंज ये होता है कि पूरा करने का चैलेंज रहता है. द मेन चैलेंज पेपर वन इज कंप्लीटिंग. आई डिडेंट मीट एनी स्टूडेंट हु रोट 100%. कोई कहता सर 10 मिनट का मार्क्स छूट गया, कोई कहता 20 मार्क्स छूट गया, कोई कहता सर आई वॉज नॉट एबल टू राइट दोज थिंग्स. फिर भी वैल्यू एडिशन पे आएंगे हम. वही वैल्यू एडिशन है पेपर वन में, तो नहीं थ्योरी है ना उसमें लिखो ना, ठीक है. ये क्वेश्चन तो तकिया कलाम है यूपीएससी का. डिफाइन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डिफरेंस बिटवीन मर्जर एक्विजिशन, गिव एग्जांपल. आई थिंक देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट. ये तो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड, बिकॉज ऐसा लगता है यूपीएससी के पास क्वेश्चन नहीं है, या बिकॉज यूपीएससी वॉन्ट्स टू गिव एज टू एवरी पर्सन. एवरी पर्सन टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, कोचिंग वालों को फायदा होगा. एंड यूपीएससी सीरियसली अगेंस्ट कोचिंग, सीरियसली, ठीक है. तो वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सब बराबर हो जाता है. हाँ, आपको फायदा ही होगा कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट में लिखेंगे कि ब्रिंगिंग ओवरहॉल इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. फिर उसके डिफरेंट टाइप्स लिखेंगे, एंड दीज आर टू स्पेसिफिक टाइप्स. मर्जर एंड एक्विजिशन आर टू स्पेसिफिक टाइप्स. आपको मार्क्स की चीज के मिलेंगे, डिफरेंस बिटवीन द टू शुड बी रिटन क्लियरली. मर्जर के अंदर दो एंटिटीज वन हो जाती हैं, एक्विजिशन के अंदर आप रिमोट कंट्रोल मींस ऑनरशिप से कंट्रोल करते हैं, राइट. हाँ, आल्सो गिव सुटेबल एग्जांपल्स. अब तो पेपर सेटर ने ऐसा लगता है कि भांप लिया, जैसे हमने दिया ना कॉर्पोरेट एग्जांपल्स पेपर वन, कॉर्पोरेट एग्जांपल्स इन पेपर वन पेपर टू. अब तो कॉर्पोरेट एग्जांपल करना ज्यादा जरूरी हो गया, ठीक है. तो HDFC बैंक और HDFC का जो है ना मर्जर था, बेस्ट एग्जांपल है. टाटा स्टील एक्वायर्ड भूषण स्टील, दैट इज एक्विजिशन. और ये भी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. काफी स्टूडेंट टेंशन में आते हैं, सर FI तैयार नहीं हुआ. मैंने कहा PY की रिवाइज कर लो एंड एक्सप्लेन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ RBI पॉलिसी. प्रेजेंट स्टेट ऑफ RBI पॉलिसी का मतलब है कि एक तो पॉलिसी रेट्स बता दीजिए, CRR क्या चल रहा है, SLR क्या चल रहा है, मैनेजर रेट क्या चल रहा है. दूसरा, इन्फ्लेशन से रिलेटेड और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड RBI का स्टेट ऑफ माइंड क्या है. यू विल हैव टू एक्सपेक्ट, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट दिस. सो UPSC RBI हैज मेंटेन्ड रेपो रेट ऑफ 6.5, एमिंग टू कीप इन्फ्लेशन, एक्टिवली मैनेजिंग लिक्विडिटी, कंटिन्यू कॉशियसली मॉनिटरी स्टांस, बैलेंसिंग ग्रोथ नीड्स, एंश्योरिंग क्रेडिट फ्लो टू सेक्टर्स लाइक MSME, राइट. सो द लेटेस्ट RBI की जो पॉलिसी है उसमें RBI ने जो कहा था उसका करक्स आपको लिखना है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है क्रिटिकल रिव्यू, बट नाउ क्रिटिकल रिव्यू इज नॉट आस्ट. UPSC इज आस्ट व्हाट इज द करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है.
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. जब आप लिखेंगे ना फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, नहीं बिटवीन इफ वी आर नॉट एबल टू रिकॉल एग्जाम्पल्स इन टेस्ट डे डू वी मेक हाइपोथेटिकल, नहीं करना, यू शुड राइट एक्चुअल एग्जाम्पल्स. एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिखना है आपको. हाँ जहां पर कंसेप्ट बतानी है तो आप लिख सकते हैं कुछ भी. ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड लिखिए उस केस में, उसमें एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक नहीं लिखेंगे. हाइपोथेटिकल में नेम भी हाइपोथेटिकल होना चाहिए, नेम एक्चुअल नहीं होना चाहिए. ठीक है. डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहां पर आपको वो नहीं लिखना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट राइट टाइम एट राइट कॉस्ट इन राइट क्वांटिटी, वो भी लिखना है. और उसके बाद धीरे धीरे ले जाना उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ. एंड उसके बाद बताना है व्हाई इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव्स. कुछ याद आया? नहीं नहीं इस बार क्लास में लिखवाया था मैंने प्रेफर्ड वर्ड, प्रेफर्ड वर्ड, प्रेफर्ड. शायद आपने प्रेफर्ड वर्ड याद आया हो दो जिस बार जिन्होंने किया है प्रेफर्ड, राइट. हाँ मैं आपका मोराल बढ़ाने के लिए ये सब बता रहा हूं. ठीक है. रैंकर्स की तो जो मार्केटिंग होनी तो हो गई 20 साल में, अब क्या मार्केटिंग करेंगे. सिर्फ मोराल बूस्ट करना इसलिए जरूरी है, जब आपको ट्रस्ट होता है ना कि इसी से आता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है. ट्रस्ट के बगैर कॉन्फिडेंस अप नहीं हो सकता. तो इसलिए बताना जरूरी कि देखिए ये किया था हमने, किया था. इंडियन मार्केट्स आर साउंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड. कहीं कहीं जो है ना आपने देखा होगा मार्केट जो 85,000 के लेवल पे पहुंचा है, लेकिन मेन इश्यू इसके पीछे क्या था? मेन इश्यू था सेबी की जो चीफ थी उसके ऊपर एलिगेशन, हिंडनबर्ग एलिगेशंस. तो उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि डू यू एग्री विद द हिंडनबर्ग एलिगेशंस, तो बल्कि रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया कि इंडियन कैपिटल मार्केट इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड सेबी सुपरविजन इज गुड, सो हेयर यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट रोल ऑफ सेबी. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. इंडियन कैपिटल मार्केट आर साउंड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड अंडर सेबी सुपरविजन. मेनली यू आर आस्ट वेदर सेबी इज मेंटेनिंग इंडियन कैपिटल मार्केट प्रॉपरली और नॉट. इट वॉज मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बिकॉज चीफ ऑफ सेबी वॉज अंडर क्वेश्चन मार्क. बट इंस्टीड ऑफ राइटिंग अवर आंसर अराउंड एनी पार्टिकुलर पर्सन वी शुड हैव फोकस्ड मोर ऑन. पार्डन यस सर, बैच एंड टेस्ट क्वेश्चन सर डायरेक्ट. यू आर द एग्जाम पेपर सेटर. नहीं 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 ठीक है. नहीं हम तो असेस कर रहे हैं यूपीएससी को. ठीक है. यूपीएससी को कोई भी जो ना वो नहीं कर सकता, लेकिन हम माइंड पढ़ सकते हैं यूपीएससी का कैसे है. सो हमें यहां पर सिर्फ एक्सप्लेन किया, क्रिटिकल नहीं लिखा, एक्सप्लेन किया है. सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट पावर्स ऑफ सेबी, लेकिन किस तरह से लिखना है कि दोज पावर्स हैव बीन यूज्ड बाय सेबी वेल, दोज पावर्स हैव बीन यूज्ड बाय सेबी वेल, ऐसे कुछ हमें लिखना चाहिए था, तो लिख दिया हमने. फिर उसमें साथ साथ ये लिखना चाहिए था कि ये लिखा ना साउंड है, साउंड है तो साउंड है लिखवा दीजिए कि इतने सारे आईपीओज आ रहे हैं, कैपिटल मार्केट स्काई छू रहा है और पैसा ही पैसा हो रहा है, ये बातें लिखनी थी. तो उसके बाद हमने ये बातें भी लिख दी हैं कि कितने सारे आईपीओज आ रहे हैं, सक्सेसफुल इक्विटी डेट ऑफर हो रहा, हाई लिक्विडिटी है, स्ट्रॉन्ग मार्केट है. एंड सेबी को तो बारे में तो पॉजिटिव ही लिखना है क्योंकि गवर्नमेंट के बारे में लिखना है आपको. सिस्टम खराब नहीं है. इंडिविजुअल्स के ऊपर आपसे बिल्कुल नहीं पूछा गया, तो इंडिविजुअल को आपको टच नहीं करना है बिकॉज आपकी कॉपी के पीछे आपका ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड भी देखा जाता है. एज ए ब्यूरोक्रेट आपको रूल्स पे ध्यान देना है, आपको पर्सन पे ध्यान नहीं देना है. ठीक है. रूल्स पे ध्यान देना, बिना रूल्स के आप एक्शन नहीं लेंगे. तो आप जब आंसर लिखते हैं, आप जब आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको अपना ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड शो करना है कि बिना प्रूफ के आपको किसी भी स्मेल में स्मेल नहीं आएगी. आ रही होगी तो भी आपको अपनी नाक बंद रखनी है, आपको ये कहना मुझे तो स्मेल नहीं आ रही. इन ऑफिशियल कैपेसिटी यू कांट हैव ए स्मेल. पीडीएफ अपलोड करेंगे. यूपीएससी इंडिपेंडेंट बॉडी है. यस यस आई विल अपलोड दिस पीडीएफ, एवरीवन आई विल अपलोड दिस पीडीएफ. ठीक है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर मोर इंपॉर्टेंट फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन. बताइए कहां आएगा ये क्वेश्चन. नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए. हाँ अगर आप
अगर आप माल प्रैक्टिसेज उन पे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे पूछा एक्सप्लेन, इफ यू आर आस्क्ड एक्सप्लेन यू शुड नॉट फाइंड फॉल्ट विद द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन लिखना है सिर्फ, क्रिटिकली एक्सप्लेन लिखना है, देन यू कैन राइट नेगेटिव्स आल्सो, लिमिटेशंस आल्सो, थोड़ा सा टेंशन, योर अटेंशन नीडेड, ठीक है, क्रिटिकली एक्सप्लेन लिखा है, देन यू कैन राइट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद कैपिटल मार्केट, मैनिपुलेटर्स लिखना है, फिर भी से भी चीफ को तो फिर भी आपको जो है बिल्कुल भी जो है एड्रेस नहीं करना, चीफ कैसी है क्या है, जब तक गवर्नमेंट चाह रही है इसका मतलब वो सही है, मोदी जब तक चाह रहा है इसका मतलब वो सही है, बिकॉज एलिगेशंस आर फॉल्स आल्सो, जैसे जो कुश्ती जो इंडियन जो रेसलर फेडरेशन था उसके चीफ के खिलाफ जिन्होंने विनेश फोगाट ने किया था ना, नाउ यू स्मेल इट वॉज जेन्युइन और नॉट, मुझे नहीं लगता ये जेन्युइन था, इट वॉज कुक्ड, पार्टली कुक्ड और सिग्निफिकेंटली कुक्ड, तो जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक हम कोई भी वो नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, देखिए यहां पर कहीं ना कहीं जो है ना फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्ट डिविडेंड डिसीजन, डेफिनेटली ऑल थ्री डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन आपको यहां पर एमएम का स्मेल नहीं आ रहा, एमएम सेज दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, एमएम सेज दैट डिविडेंड पॉलिसी डजंट मैटर, तो एमएम क्या कहते हैं, एज पर एमएम वैल्यू ऑफ द फर्म कैन बी एनहांस्ड बाय मेकिंग बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, सो डेफिनेटली यू वर एक्सपेक्टेड टू फर्स्ट राइट ए जनरल आंसर, ए लॉजिकल आंसर दैट यस इफ कंपनी इज हैविंग गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अदर थिंग्स आर सेकेंडरी ओनली, उसके बाद एक पारा लिखिए एमएम पे, एमएम का सपोर्ट दीजिए, उसके बाद कॉर्पोरेट एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री इन्फोसिस है, दे हैव फोकस्ड मच मच ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सो अल्टीमेटली डिस्कस करना है कि तीनों चीजें मैटर करती हैं, ऑल थ्री थिंग्स मैटर, डिस्कस पूछा ना, डिस्कस और क्रिटिकली एग्जामिन और एग्जामिन सेम थिंग है, मींस देयर मे बी योर व्यूज अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट आल्सो, सो फाइनली यू डिस्कस दैट ऑल थ्री डिसीजंस मैटर, दो इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो लिखना है। अब आपके पास आंसर्स हैं, आप डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन इसने दिमाग घुमाया काफी लोगों का, इन क्वेश्चन नंबर 6 है, इट वाज ए क्वेश्चन ऑन कैपिटल बजटिंग, कंपनी इज हैविंग ओल्ड मशीन जिसका WDV है 3 लाख, नहीं WDV नहीं है, कॉस्ट है 3 लाख, बुक वैल्यू 1,80,000, यू नो दैट फॉर कैपिटल बजटिंग पर्पज बुक वैल्यू टूडे इज रेलिवेंट, 15 years इट वर लाइफ वॉज देयर and it has been used for 6 years, means 9 years is the remaining life, 9 years is the remaining life, likh lete hain 9 years, remaining life of the asset is 9 years, WDV is 1,80,000, to jab replacement decision hota hai you know that you can claim depreciation on WDV, that is relevant depreciation, so aane wale 9 years mein 1,80,000 can be claimed by you as a depreciation, means 20,000 per year. And new machine cost 4,50,000. So Y0 per outflow of 4,50,000. Operating cost would be reduced by 60,000 for 10 years. Isne ek to 9 years de diya, ek 10 years de diya. Old machine could be sold for 10,000. So agar Y0 pe investment karenge 4,50,000 minus 10,000, 4,40,000 would be the initial investment. लेकिन एक चीज देखेंगे, द WDV वाज 1,80,000, सेल प्राइस इज 10,000, सो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं हो जाएगा 1,70,000 का, WDV 1,80,000 ओल्ड मशीन, सेल प्राइस 10,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1,70,000, सो टैक्स रेट इज 55%, सो वी विल क्लेम टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एट Y0 लेंगे हम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, इसे तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, द न्यू मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और 8 ईयर्स, इसमें यही पचड़ा है कि इसमें जो है 3 timelines पूछ ली UPSC ने, 3 timelines, सो मैनी कैंडिडेट्स मेड एरर कि इफ डिफरेंट timelines आर देयर सो वी शुड कंसिडर देम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मीन्स एनुअल फ्लो के बेस पे करें, नहीं, क्योंकि UPSC ने वेरी क्लियर पूछा है कि आपको NPV मेथड से सोल्व करना है, राइट, एंड सालवेज वैल्यू ऑफ न्यू मशीन इज 50,000,
salvage value of the machine. So we calculated initial outflow 450,000 minus 10,000 minus tax shield on short term capital loss. So 346,500 is the outflow at Y0. Annual saving kitna hoga? 60,000 minus tax. So this is saving after tax. और उसका प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर के हिसाब से 10 इयर्स में सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू 165,780. टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ द एसेट 450 माइनस सालवेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट. सो एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट इज 50,000 एंड टैक्स शील्ड हो गया 50,000 के ऊपर एट द रेट 55% दैट इज 27,500. क्या मैसेज है सर? ऑनलाइन वालों पर भी ध्यान दीजिए. ध्यान दे रहा हूँ ऑनलाइन वालों पे. एनरोन सिस्टम कंप्यूटर एटसेट्रा पॉपुलर कैन बी मेंशन इन केस क्वेश्चन ऑन सिमिलर लाइंस. यस यू कैन मेंशन. यस श्योर. सो टैक्स शील्ड ऑन न्यू मशीन वुड बी 146,685 बट दिस कंपनी इज हैविंग ओल्ड मशीन ऑल्सो ऑन विच यू विल गेट डेप्रिसिएशन 20,000. So tax shield every year 11,000. So present value thereof would be, it will be for 9 years. So its value hai this. So this is incremental depreciation. This is incremental tax shield on depreciation. This is a new machine. This is an old machine. Dono net kar lenge hum. And thereafter present value of salvage value at Y8. आठवें साल में 50,000 मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिस इज द अमाउंट. सो नेट इज नेगेटिव. सो मशीन शुड नॉट बी रिप्लेस्ड. बस इसमें एक ही इश्यू था. देर वर थ्री टाइमलाइंस. सो कंसीडर थ्री टाइमलाइंस. आपको एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था. काफी कंडक्टर इसलिए कंफ्यूज हुए. अच्छा एक कंफ्यूजन का रीजन और भी था. इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 8 years only. So 9 years you were expected to calculate and 10 years you are expected to calculate. इसलिए क्लास में हम अपनी खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं. It's written savings are for 10 years and depreciation for 8 years. ब्रेक ले लें डॉक्टर वेगेटो. ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे. कवर कर लेते हैं पूरा, हो जाएगा ना. सो 2 मिनट ब्रेक ले लेते हैं. आई थिंक यू नीड ब्रेक. मैंने आज अच्छी एक्सरसाइज किया था एंड आई एम फुल ऑफ एनर्जी. और क्वेश्चन जो है ना पढ़े पढ़ाए से आगे तो एवरी ईयर बना दो चाहे थोड़ी सी. स्टूडेंट ने मुझे ब्रेक के लिए बोल दिया. सो 3-4-5 मिनट ब्रेक एवरीवन. 5 मिनट ब्रेक. अरे रहने दो भैया मेरी चाय. पिछले 3 महीने में खूब खाया है. खाया भी है और बनाया भी है. राइट. मैंने तो जिम जो है ना 31 मंथ वाला ज्वाइन कर लिया. कई बार जो है ना 6 मंथ का ज्वाइन करते हैं ना जिम, तो उसमें क्या 6 मंथ के बाद रिन्यू कराने का प्रॉब्लम हो जाता है. मैंने बार्गेनिंग किया. मैं बोला यस लॉन्गेस्ट पीरियड क्या हो सकता है. बोला सर लॉन्गेस्ट पीरियड इज 3 ईयर्स. 3 ईयर्स का सर 66,000. 66,000 आज ले रहे हो ना 66,000, कुछ तो कम करो. फिर मैंने सोचा 21 दिन के बाद 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त पे अनाउंसमेंट करते हैं जरूर. फिर 15 अगस्त पे मैंने 31 मंथ का जो है पैकेज लिया. 31 मंथ एनी टाइम फिटनेस.
हाँ ऑनलाइनर्स को भी रिकमेंड किया जाता है कि यू शुड लिसन टू पॉडकास्ट, जब पढ़ने का मन नहीं हो तो. व्हाट टाइम सेशन विल एंड? सेशन विल टेक मैक्सिमम 30-40 मोर मिनट्स, देन वी विल एंड इट. आई वॉन्ट टेक मोर टाइम. 7 नहीं जाएगा, इट विल गो आई थिंक मैक्सिमम 6. चाय में टाइम नहीं लगता, इट वॉन्ट टेक मच टाइम. आकाश बस 2 मिनट में चाय फिनिश कर रहा हूँ, देयर आफ्टर विल स्टार्ट. नहीं सर, एक चीज पूछना था. हाँ पूछिए. सर ये क्वेश्चन पेपर जैसा है और आजकल मैं सुन रहा था कि 250-300 का नॉर्मल है, तो इस पेपर में जैसे सब कोई रैंक ज्यादातर कॉमर्स में रैंकर से ही प्रिपेयर कर रहे हैं और ये बार बार जो लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके सब कुछ सब आंसर वगैरह तो सब बन ही जाएंगे, तो मोटा मोटी 300 का जो नॉर्मल है वो मार्क्स नॉर्मलाइज या स्केल करके मॉडरेट होने का तो रिस्क कोई नहीं रहता ना. इस बार तो 300 से ऊपर आएंगे मार्क्स. 285 का जो है ना लिमिट, वो टूटेगा इस बार. आप देखो बार बार नहीं पूछा एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, और हमने भी पीडी भेजे थे एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल. पावरफुल कोटेशंस भेजे नहीं भेजे? और देखो जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, मैं बताता हूं, अशोक मुप्पा, हमारे एक स्टूडेंट अशोक मुप्पा, पॉसिबली ही विल गेट वेरी गुड स्कोर. चिराग सिंगला, ही विल गेट वेरी गुड स्कोर. अगर टॉप 10 में 3-4 रैंक आ गए कॉमर्स के तो हो सकता है कुछ गड़बड़. हाँ बस इतना ही होता है. नहीं बढ़ेंगे पक्का, नहीं है कोई माइकल लाल मार्क्स नहीं काट सकता. आप बायबैक ऑफ शेयर का क्वेश्चन कीजिए ना, आप अमल कमीशन का क्वेश्चन कीजिए, आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन कीजिए. एंड सी कॉमर्स इज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है कॉमर्स. तो मार्क्स जो है कहीं कहीं रैंकर्स की कमी से आ रहे थे या स्टूडेंट्स की कमी से आ रहे थे, मैं अपनी जिम्मेवारी भी मानता हूं. इसलिए हमने क्या किया, अननेसेसरी जो नोट्स के अंदर चीजें थी वो कट किया, पतली किताबें बनाई,
फिर हमने आप लोगों को एडिशनल चीजें दी, जैसे कि पावरफुल कोटेशंस, जैसे कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, जैसे कि समरी, जैसे कि पॉडकास्ट्स। एक बहुत बड़ा इश्यू था रिवीजन ऑफ नोट्स, क्योंकि हमारी एक जो एसोसिएट है इस समय आकाशदीप मलिक, सी गोट 180 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन पेपर टू। उसका रीजन क्या था, सी टोल्ड दैट सर आई वॉज हैविंग एवरीथिंग ऑन माई टिप्स। तो कंटेंट रिच आंसर लिखेंगे पेपर टू में तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं, घास काटते हैं, घास नहीं काटने। तो इसलिए हाँ आकाश देखो कॉन्सेप्ट तो सेम लिखना पड़ेगा, देखो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन सेम चीज है, उसमें कोई वो नहीं है। अब आपको डिफरेंस कहां करना है, पावरफुल कोटेशन से कोटेशन हटानी है, उठानी है, प्लस कॉर्पोरेट एग्जांपल्स, राइट। तो वो डिफरेंस करेगा और बड़ा चैलेंज रहता है कवरिंग द सिलेबस। नहीं उसकी वर्री मत करो, मैंने जो दिया ना उसको अकोमोडेट कर लो अपने नोट्स में, अपने नोट्स में उसको कर लो, प्लस करंट अफेयर्स अपने नोट्स में जो ना उन चीजों को अकोमोडेट वो कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। चलो इस पे डिस्कस करेंगे, अब आ जाते हैं वापस। यस 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 हाँ, ऑप्शनल हट जाए बहुत अच्छी बात है, मेरे को इतना आराम मिल जाए मत पूछो। नहीं नहीं आपको ऑप्शनल नहीं हटेगा। 1979 में कौन सी गवर्नमेंट थी आपको पता है, जनता गवर्नमेंट, दैट वाज बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट। बीजेपी और मोदी ऑलवेज बिलीव इन स्पेशलाइजेशन, मोदी स्पेशलाइजेशन नहीं हटाएगा। हाँ जिस दिन हट जाएगा उस दिन कॉमर्स वालों के लिए 200-250-300 पोस्ट रिजर्व हो जाएंगे, राइट। जो इंडियन दैट इज रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है वो बनेगा, फिर इंडियन फाइनेंस सर्विस बनेगा जिसमें रेवेन्यू की पोस्ट, अकाउंट्स की पोस्ट, ऑडिट की पोस्ट, दे शुड बी रिजर्व फॉर कॉमर्स पीपल, ठीक है। हट जाए बहुत अच्छी बात है, अभी तो क्या है कॉमर्स के 20 कैंडिडेट 25 कैंडिडेट आते हैं, और जब हट जाएगा ना तो हमारे लिए रिजर्व हो जाएंगे 200-250-300 सीटें, वो तो टेंशन दूर हो जाएगी। रिजर्व होते ही कॉमर्स ऑप्शनल हटते ही फिर आईएएस आईपीएस आईएफएस, इन तीन सर्विसेज के लिए कोई ऑप्शनल नहीं होगा और बाकी के लिए ऑप्शनल हो जाएंगे। नहीं हटने वाला, क्योंकि कम से कम 2-3 साल का सनसेट पीरियड चाहिएगा, यूपीएससी कैन नॉट रिमूव। सो इस चिंता में तो बिल्कुल मत, मैं तो निश्चिंत हूँ एकदम, आपसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। अग्रवाल सर क्या करेंगे ये सोचो कम से कम। अरे प्लान भी करना इतना आसान नहीं है। चलो आते हैं अभी दूसरी चीजें डिस्कस, देखो ऑनलाइन बैठे काफी कैंडिडेट, पेपर वन में कोटेशन से एक बार कोटेशन पढ़ के देखो। सी आकाश का क्वेरी है पेपर वन में कोटेशन कहां पर आएंगे, जैसे यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग था, यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया है कहां गया, यूटिलिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, हर जगह कोटेशन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वाइज वेल्थ मैक्सिमाइज प्रेफर्ड ऑब्जेक्टिव, कोटेशन का यूज दिखाएं। चलो देख लेते हैं, आई एम हैविंग एवरीथिंग हेयर, कोटेशंस कोटेशंस ऑन पेपर वन, पेपर वन की कोटेशंस, एंड इन पेपर वन कोटेशंस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो यू कैन राइट द कोटेशन गिवन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू नॉट जस्ट शेयर होल्डर बट फॉर द स्टेक होल्डर, गोगाम राजन। सो इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यू कैन कोट इट। उसके बाद इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द की टू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड मिटिगेटिंग रिस्क, सो आपको रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप है। सो आकाश आई थिंक आपने कोटेशंस नहीं पढ़ी हैं, बताएंगे आपने पढ़ी है आकाश कोटेशंस? न्यूमेरिकल में नहीं बन पाएंगे, न्यूमेरिकल में नहीं बन पाएंगे, न्यूमेरिकल में नहीं, न्यूमेरिकल में जरूरत भी नहीं है, न्यूमेरिकल में तो वैसे ही प्रॉब्लम रहती है।
चलो ठीक है, लेट अस डिस्कस, लेट अस डिस्कस. सो क्वेश्चन नंबर 5 डन. कहां तक हो गया था? यस यस, प्लीज आस्क. मानता हूं ये, दिस क्वेश्चन अराइज टू माय माइंड आल्सो, बट सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन सो वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. दे रखा तो कैलकुलेट कर लिया. इस समय डेफिनेटली ये एनोमली है इस क्वेश्चन में. लाइफ मशीन की है 8 ईयर्स, जबकि उसमें आप उसका जो सेविंग इन कॉस्ट है फॉर 10 ईयर्स, ये कैसे हो सकता है? बट सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. और मैंने जो यूपीएससी के अंदर जो टैक्स के जो अप्रेजर हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा भी था टैक्स के ऊपर आगे से क्वेश्चन सही आना चाहिए बिकॉज ही वेरीफाइज. तो उन्होंने कहा सर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन सेट करने का सिस्टम इतना ज़्यादा सीक्रेट है, इतना ज़्यादा सीक्रेट है कि पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जो पेपर सेटर है उसको जो है पूरी सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है. अगर कोई एरर आ गई तो आ गई, ठीक है. अप्रेजल सिस्टम भी बड़ा स्ट्रिक्ट है, अप्रेजल सिस्टम इज ऑल्सो स्ट्रिक्ट, सो एरर मे बी देयर इन द क्वेश्चन, सो यू अप्लाई योर बेस्ट माइंड. सो आई कैन जस्ट एग्री विद दैट यस दिस वाज अनोमली इन द क्वेश्चन, मीन्स इट वाज कंट्राडिक्शन इन द क्वेश्चन, ठीक है. सो नाउ डिस्कस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. रिस्क रिटर्न, डिफाइन रिस्क, डिफाइन रिटर्न. ट्रेड ऑफ मीन्स कॉन्फ्लिक्ट. फाइनेंशियल डिसीजन मीन्स रिस्क रिटर्न इन कैपिटल बजटिंग, रिस्क रिटर्न इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क रिटर्न इन कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग दैट इज लिवरेज यूज, रिस्क रिटर्न इन डिविडेंड पॉलिसी, रिस्क रिटर्न इन M&A. उसके बाद एक डायग्राम है ना, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, उसके बाद बनता है ना रिस्क एंड रिटर्न, वैल्यू ऑफ फर्म. सो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दिस वॉज आस्ट प्रीवियसली ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड आई वॉन्ट टू से वन ऑफ अवर स्टूडेंट इज मनन कंसल, मनन कंसल. सो सैटरडे को मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा था. सैटरडे को उन्होंने पहले जीवन सर से डिस्कस किया, फिर मेरे से डिस्कस किया. ही आस्क्ड कि सर इन रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप फ्रॉम विच परस्पेक्टिव यू हैव टू सी इट, इन्वेस्टर परस्पेक्टिव और कंपनी परस्पेक्टिव. तो मैंने उनको कहा इट वुड बी फ्रॉम कंपनी परस्पेक्टिव, नॉट इन्वेस्टर परस्पेक्टिव, कंपनी परस्पेक्टिव. मतलब आप फाइनेंस फंक्शन कंपनियों के लिए है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं. इट इज नॉट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इट इज फाइनेंस फंक्शन. आपकी जो FM की बुक है पहले चैप्टर में एक टेबल बना रखी है, रिस्क रिटर्न इन वेरियस फाइनेंस फंक्शंस. हाँ एक बार आप लिख सकते हैं दैट इंडिविजुअल आल्सो बैलेंसेज रिस्क एंड रिटर्न एंड डाइवर्सिफाइड इट. सो और कंक्लूजन में आप लिखिए हाउ टू मिनिमाइज और हाउ टू बैलेंस रिस्क एंड रिटर्न. फॉर एग्जाम्पल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग लोन अप टू ए सर्टेन लिमिट ओनली, फॉर एग्जाम्पल स्टडी डिविडेंड पॉलिसी. आपके नोट्स में कवर्ड है ये सब कुछ. मॉडल आंसर आज दूंगा ना, इवनिंग में ही दे दूंगा मॉडल आंसर आफ्टर 1 आवर, उसमें सब कवर होगा, राइट. नेक्स्ट यू आर आस्क्ड वेरी इजी क्वेश्चन, हाउ विल यू मेजर द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवल. हाउ विल यू मेजर, मतलब यहाँ पर आपसे रियली ये जाना है कि व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ मेजरिंग डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. आपको डिफाइन भी करना था कंबाइंड लिवरेज, 3 इसके मेजरमेंट बताने थे, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स और परसेंटेज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज इन सेल्स और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. उसके साथ आपको एग्जाम्पल भी देने थे और उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज अलॉन्ग विद सुटेबल एग्जाम्पल. आपको इफेक्ट बताना था एग्जाम्पल लेकर. एग्जाम्पल EPS of the company is 10 rupee. Degree of combined leverage is 3. So if sales of the company increases by 50%, EPS will increase by 150%. If sales of the company decreases by 20%, EPS of the company will decrease by 60%. तो सिर्फ ये example आपको लेना था. Effect का मतलब इफेक्ट ऑफ कंबाइंड लिवरेज ऑन EPS ही दिखाना था, बस और कुछ नहीं था. कंसेप्ट क्लियर है तो आप आंसर कर सकते थे और कंसेप्ट से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद ये क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, थोड़ा सा डिफरेंस था ये क्वेश्चन. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी वांट्स
asked to prepare a statement of showing working capital. Estimate पूछा है, requirement नहीं पूछा, need नहीं पूछा, estimate पूछा है तो आपको accounting approach से करना पड़ेगा, need और requirement पूछा तो आपको financing approach से करना पड़ेगा. Estimate, estimate के अंदर आपको debtors को at sales value लेना पड़ेगा. Estimate, you are asked estimate. एस्टिमेट का मतलब यू हैव टू टेक डेटर्स एट सेल्स वैल्यू. अगर आपसे पूछ लिया जाए ना वर्किंग कैपिटल नीड, यू शुड टेक डेटर्स एट कॉस्ट ऑफ सेल्स. यहां पर कईयों ने गलती की होगी. बाकी इस बार वेल एक्सपेक्टेड था. अगर आप अपना वो देखेंगे गैस वर्क देखेंगे तो गैस वर्क में मैंने पास्ट ट्रेंड देखा था. इट वॉज ए वेरी सिंपल वर्क. यूपीएससी कहता है ये ट्रेंड समझ लो, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली तैयारी कर लो. तो मैंने गैस में लिखा था. इन्वेंट्री क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्रेडिट मैनेजमेंट क्वेश्चन नहीं आ सकता. दिस ईयर क्वेश्चन वाज एक्सपेक्टेड ऑन. अच्छा, ऑनलाइन वालों के लिए भी 68 समोसाज तैयार कर लीजिए. ऑनलाइन देखो यहां पर फेस टू फेस बैठे सभी समोसाज खा रहे हैं. ठीक है. सो और 15,600 का. सो इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू आर एक्सपेक्टेड राइट, यू आर गिवन मेटीरियल लेबर ओवरहेड. So debtors would be calculated at selling price. इसमें एक और इसमें ट्रिक था, मैं बताता हूं. एक और ट्रिक क्या था, देखिए. रॉ मेटेरियल 1 month, रॉ मेटेरियल आर प्रोसेस मतलब WIP 2 weeks. WIP इज 2 weeks. प्लीज पे अटेंशन ऑनलाइनर्स, फेस टू फेस ऑनलाइनर्स तो सारे अटेंशन में है. ठीक है, वीडियो मिलेगा इसका. फिनिश्ड गुड्स इन स्टॉक फॉर 1 month, 1 month, 2 month, 1.5 weeks. So in this question, these two informations are given in 2 weeks and 1.5 weeks. Weeks. Kuch information month mein hai, kuch weeks mein hai. So we have to take the year either in 12 months or 52 weeks. Lekin kaun sa lenge? You have to make your best judgment. Wo kaise? 20% of the production is sold in cash. Wo ho jayega. 80% would be on credit. And on the basis of that 80%, we will calculate debtors. Cash in hand is expected to 60,000. That is generally given. It is assumed that production is carried evenly throughout the year. Wages and overheads accrued similarly. ठीक है. Given भी नहीं होता तो भी हम ये assume करते. लिखा है. And the time period of 4 weeks is equivalent to 1 month. 4 weeks are equal to 1 month. You are not given 1 month is equal to 4 week. इसमें फर्क है. 4 weeks are equal to 1 month. So 2 weeks are equal to 2 weeks are equal to half month. 2 weeks are equal to half month. Means we will convert weeks into months only. 0.37. एक बार देखें. डेढ़ weeks, 1.5 week कितना बनता है? 0.5 डिवाइड बाई, सो 3/2, 1 × 2. एक बार देखना. 1.5 week. सो 1 / 4 मल्टीप्लाई 1.5. सो 0.375 मंथ्स. सो टेक केयर, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट मंथ्स इंटू वीक्स, रादर वीक्स इंटू months. This was another area of error. देखिए paper setter को तो अच्छे candidate select करने हैं, वो जो information को पढ़े accordingly answer दें. और मैंने answer में फिर लिख दिया ये कि we have converted weeks into months, not the opposite, ताकि examiner कहीं गलती कर रहा हो तो गलती ना करे, मेरे accordingly समझे. अगर आपको लगता है ना बाकी candidates might be making error, तो फिर अपना सोचें. ठीक है. डेफिनेटली इस क्वेश्चन में दो पार्ट होंगे. वन इज द मेन सॉल्यूशन एंड सेकंड वुड बी द वर्किंग नोट्स. यस आकाश, कुछ कहना चाह रहे हैं? यस यस प्लीज टेल. टू बाई 48 नहीं लिख सकते. नो नो नो, दैट वुड बी रॉन्ग. So first we will make, in this case, you will leave the first page and second page for main solution. And you will leave the third page for, you will start working notes from the third page. So you started with, I will discuss this solution completely.
on third page you are given at least 3 pages, maximum 4 pages. So first page and second page would be for the main solution. On third page, at first you will make working notes. You calculated total sales 15,600, so 41,34,000. Credit sale 80% of this. So this is why we calculated credit sales, to calculate debtors. So debtors will be calculated on this amount. Thereafter we have to calculate the cost components for total output. Raw material cost, because we have to calculate raw material stock. Labor cost, we have to calculate outstanding labor. Overhead, we have to calculate outstanding. Cost of goods sold, we have to calculate cost of finished goods. And for WIP purpose, it is not mentioned, but we will take raw material full plus half of the conversion costs. Right? So we took, this is annual WIP cost. And thereafter, one by one we calculated. And you should take the copy horizontally. You should write particulars with formula, calculation and amount. आपके आंसर में सब कुछ होना चाहिए. टेढ़ा कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टेढ़े में नहीं संभल पाएगा, सीधा कर लीजिए. फॉर्मूला लिखिए, फिर कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन. हेयर बिकॉज आई टुक दिस कंप्यूटराइज सीट, तो इसमें इट वॉज ईजी, बट इन एग्जामिनेशन यू विल बी हैविंग लेसर स्पेस. सो यू राइट इन्वेंट्री, देर आफ्टर रॉ मेटेरियल, देर आफ्टर फॉर्मूला, एनुअल कंजम्पशन डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई होल्डिंग पीरियड. So calculation, amount, work in progress. So total WIP cost divided by 12 multiply holding period. Must write formula for every calculation. Finished goods, cost of goods sold divided by 12 multiply holding period. Trade receivables, credit sales. I didn't write cost of credit sales. Uska note diya maine. Divided by 12 multiply credit period. Cash in hand, given hai to given word likh dijiye. Examiner pe aisan nahi karna ki maine nikali hai. गिवन है भाई, ठीक है. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स. करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड क्रेडिटर्स, एनुअल क्रेडिट परचेज. यू राइट द करेक्ट फॉर्मूला, एनुअल क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई क्रेडिट पीरियड. आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज. यू राइट द करेक्ट हेडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिज. फर्स्ट इज वेजेज, सेकंड इज ओवरहेड. एनुअल लेबर कॉस्ट डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई टाइम लैग इन पेमेंट. टाइम लैग, डोंट राइट क्रेडिट पीरियड. In case of wages and expenses, the term is time lag, not credit period. Time lag, time lag, right? And thereafter, see, we have written estimated total, estimated total, estimated total. Take care, this is estimate. Bar bar examiner ko bataiye ki tum pooch rahe ho, wahi likh raha hu main. Tum pooch rahe ho estimated, lo teen bar likh diya estimated. Theek hai? Examiner will feel connected with the you. That you are writing as per demand of the question. Fir maine clarify kiya. Not since 4 weeks are equal to 1 month, 2 weeks are equal to 1/2 month, 1 and 1/2 weeks are equal to 1 month. Clarification. Weeks have been converted into months as per command of the question, not opposite. Taki examiner mere marks na kaate, oron ke kaate. Trade receivables have been computed at sales value as working capital estimate is asked. For financing purpose, debtors should be computed at cost of sales. वो भी clarify कर दिया मैंने. So that if error is there, since production is carried evenly throughout the year, the quantity of raw material purchased during the year is equal to consumed. क्योंकि हमें creditors निकालने के लिए purchased calculation था, raw material निकालने के लिए consumed. So since no opening stock, no closing stock, we assumed consumption equal to purchase. Or we assume opening stock equal to closing stock, in that case purchase equal to consumption. ये clarification बहुत जरूरी है. ये जो ना value addition, ये conceptual value addition है जो आपको marks दिलाएगा. अगर ये नहीं लिखेंगे तो examiner आपको नहीं समझ पाएगा. ये value addition आपको marks दिलाएगा और आपके जो next copy है उसके marks कटवाएगा. ठीक है, इसलिए काफी डिसर्टन होंगे, काफी जो दोज हुआ अपीयर दिस ईयर. एक बार बताएंगे कौन कौन अपीयर हुआ. एस्टिमेट का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोजेक्टेड डाटा व्हाट इज द कैलकुलेशन. एक होता नीड, नीड मींस वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट. रिक्वायरमेंट मींस वर्किंग कैपिटल एट कॉस्ट. एस्टिमेट मींस एस्टिमेट द डेटर्स एट सेल वैल्यू. राइट, सो
नेटवर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 8,56,575 है, तो सपना आपने कितना किया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीवी आ गया है, एनपीवी का क्वेश्चन, सॉरी सॉरी, दिस वाज क्वेश्चन ऑन नेट इनकम अप्रोच, ठीक है। एक बार क्वेश्चन रीड करके आपको आंसर लिखते समय, अब यहां पर वैल्यू एडिशन करना है, आकाश गोयल, आकाश गोयल एडवांस कोर्स में है, ठीक है, आपके साथ 2025 में फाइट करने जा रहे हैं, ओके एवरीवन वी विश सक्सेस, ठीक है, बट दोज कैंडिडेट्स हु गेट इन्वॉल्व विद अस इन डिस्कशंस इन क्वेरीज डेफिनेटली वो याद रहते हैं, आकाश गोयल जो है क्वेरी पूछते हैं तो डेफिनेटली याद रहेंगे, आप भी क्वेरी पूछें, क्वेरी जरूर पूछें। सी कंपनी हैज अर्निंग ऑफ रुपी 1 लाख, अच्छा आपको कंसेप्ट अगर पता है तो पता होना चाहिए कि अर्निंग ऑफ 1 लाख का मतलब क्या है, ईबीआईटी है या नेट ऑपरेटिंग इनकम, जैसे आपने देखा ना नेट इनकम अप्रोच है, इट मींस दिस इज नेट ऑपरेटिंग इनकम एनओआई, द कैपिटल ऑफ द कंपनी, नहीं आपकी आवाज आ रही है हर्षित डिस्पाइट, नहीं नहीं आप लोगों का कैरियर है यहां पर, पता है क्या है? आपको तो लॉस हो ही हो रहा है क्योंकि आपको तो ध्यान ही नहीं है यहां पे, उनको भी लॉस हो रहा है जो यहां बैठे हैं, नहीं द कैपिटल ऑफ द कंपनी कंटेंस, मुझे पता है कि आपके लिए आसान है क्योंकि आपने क्लासेस की हुई है, उसका कारण भी मुझे पता है, एज वेल एज इक्विटी विच डेट इज फॉर दिस डेट जो ना एग्जिस्टिंग है, तो हमने लिखा एग्जिस्टिंग डेट, आंसर में एग्जिस्टिंग आना चाहिए, टर्मिनोलॉजी ऐसी यूज करे जो क्वेश्चन में लिखे उससे मैच करे, ये प्रपोज नहीं है एग्जिस्टिंग है, बोरोड एट रेट ऑफ 10% प्रेजेंटली कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द फर्म इज दिस, आपको पता है एज पर नेट इनकम अप्रोच कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन इक्विटी, फाइंड आउट टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग नेट इनकम अप्रोच, तो आपको पता है प्रोसेस क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक है। आई रिपीट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ द फर्म एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर नेट इनकम अप्रोच, थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं। ये तो गर्म है, एज पर नेट इनकम अप्रोच कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म, एट फर्स्ट वी राइट नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट, ऑनलाइनर्स आप लिखिए, आप लिखिए, मेरा बताने से क्या फायदा, आप लिखोगे उसका फायदा मिलेगा, व्हाट आर द स्टेप्स टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर नेट इनकम अप्रोच, मैंने 3-4 बार करवाया हुआ है, ऑनलाइन लिखिए प्लीज लिखिए, एवरीवन जिनको आता हो लिखिए, लिखिए हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म एज पर नेट इनकम अप्रोच, वी स्टार्ट विद नेट ऑपरेटिंग इनकम, वी डिडक्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्ट, वी गेट नेट इनकम, नेट इनकम को हम कैपिटलाइज करेंगे बाई के ई, नेट इनकम डिवाइड बाई के ई इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी जिसे एस भी बोलते हैं, सारी चीजें लिखिए, जो जो आप लिखो ना सारे एग्जामिनर को दर्शन करवाइए, जब आप उसको तीर्थ पर ले गए तो सारे धाम के दर्शन करवाइए, ठीक है। एन ओ आई लिखा, देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा ना एन ओ आई इंटरेस्ट एन आई के ई एस, ठीक है एस हो गया, फिर एस की वैल्यू ये एस प्लस डी, सो नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाई के इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म, ये आ गई वैल्यू ऑफ द फर्म, उसके बाद के ओ निकालने का सिंपल फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म, के ओ आ गया, सो एट प्रेजेंट ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 8,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11.36%, एंड देयर आफ्टर यू आर आस्क्ड इफ डेट इज इंक्रीज और रिड्यूस्ड बाई 1 लाख व्हाट विल बी द इंपैक्ट, इंपैक्ट मींस इंपैक्ट ऑन वैल्यू ऑफ द फर्म एंड इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कुछ कहानी लिखने से पहले मैंने थ्योरी लिखा, आकाश दिस इज द वैल्यू एडिशन एंड दिस इज द वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन क्या है, कंसेप्ट लिखा है, नेट इनकम अप्रोच होल्ड्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज रिलेवेंट फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म सिंस दिस अप्रोच अज्यूम्स दैट कॉस्ट ऑफ डेट हेयर 10%, उस क्वेश्चन का रेफरेंस दो, उससे थ्योरेटिकल नहीं लगेगा आंसर, प्रैक्टिकल लगेगा,
which is lower than cost of capital, and both remain constant. So more the amount of debt, lower will be the cost of capital and higher the value of the firm. ठीक है, assuming that there are no taxes, इसमें tax दे नहीं रखा तो हमने assume कर लिया no taxes, net operating income remains unchanged at रुपी 1 lakh. वो तो तीनों केस में 1 lakh 1 lakh लेना, 1 lakh 1 lakh 1 lakh. value of the firm at overall cost of can be computed as follows. तो हमने लिखा existing value, debt increased by 1 lakh, total debt 5 lakh. अपने answer को speaking बनाइए, आपका जो ना जो बोलते हैं पार्टिकुलर की लाइन बड़ी हो जाए कोई बात नहीं है. डेट डिक्रीज बाई 1 lakh, टोटल डेट 3 lakh. सो वी कैलकुलेटेड, सो विद इंक्रीज इन डेट वैल्यू ऑफ द फर्म कम्स 9 lakh, ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस्ड, बट विद रिडक्शन इन डेट वैल्यू ऑफ द फर्म रिड्यूस्ड एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज. उसके बाद हमने कॉमेंट लिखा है कि विद एग्जिस्टिंग डेट अमाउंट ऑफ 4 lakh, वैल्यू ऑफ द फर्म इज 8 lakh एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 lakh. सिंस डेट इज चीपर देन सोर्स ऑफ फाइनेंस, सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. हमने ये कॉमेंट लिखा, दिस इज वैल्यू एडिशन. सेकेंड, वी हैव रिटन द इम्पैक्ट ऑफ यूज ऑफ, क्योंकि आपसे पूछा स्पेसिफिकली अफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट. सो दिस इज नॉट अफेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज जस्ट कैलकुलेशन स्टेटमेंट. आपको इफेक्ट लिखना पड़ेगा, सो वी हैव रिटन इफेक्ट हेयर. विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ डेट बाई 1 lakh, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज एंड दिस इंक्रीज बाई 20,000 रुपी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस्ड. और आपने लिखा ऑन द ऑपोजिट रिडक्शन इन डेट अमाउंटिंग 1 lakh हैज एडवर्स इम्पैक्ट, वो भी लिखा. सो आपको इम्पैक्ट लिखना पड़ेगा, डेट इंक्रीज करने से वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हुआ है, डेट रिड्यूस होने से वैल्यू ऑफ द फर्म रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑल्सो रिड्यूस्ड. इफ यू राइट दिस देन यू कैन एक्सपेक्ट 13 out of 15. आई अज्यूम एग्जामिनर विल गिव मैक्सिमम 90% मार्क्स. नहीं नहीं, फर्स्ट में तो इनपुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इन फर्स्ट देर इज इनपुट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एट लास्ट इट इज आउटपुट रिलेटेड. मीन्स कॉमेंट ऑन दिस, फर्स्ट में ये कैलकुलेशन कैसे मूव करेगी वो लिखा हुआ है, फर्स्ट में क्या है थ्योरी लिखा हुआ है और लास्ट में क्या है कॉमेंट ऑन दिस दिस एंड दिस इज रिटन. गुड आर्ग्यूमेंट, पेपर सेटर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा है, एरर, इट इज प्रोन टू एरर. आपसे पूछा डिस्कस द लीडिंग फाइनेंशियल मार्केट, लीडिंग लिखना है यहां पे और फिर लिखना इनोवेटिव. तो लीडिंग तो इक्विटी है, डेबेंचर है, बॉन्ड्स है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, दीज आर द लीडिंग मीन्स यूज्ड बाय द कंपनीज फ्रीक्वेंटली. उसके बाद इनोवेटिव, इनोवेटिव में डेबेंचर नहीं लिखना, डेबेंचर तो लीडिंग है. इनोवेटिव में, अच्छा स्पेशल वोटिंग राइट, इनोवेटिव में लिखना है जो आज के दिन यूज हो रहे हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, मसाला बॉन्ड्स, फॉर्मोसा बॉन्ड्स, टायर टू बॉन्ड्स, इनकम नोट्स, स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल नोट्स एटसेट्रा. अच्छा डिस्कशन में यह नहीं कि सभी के जो ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल दे सकते हैं हम 15 मार्क में जो है, इफ यू आर राइटिंग 6 + 6 12 पॉइंट्स है, सो फॉर एवरी 12 पॉइंट वी कैन नॉट राइट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो हम क्या लिख सकते हैं, की फीचर लिख सकते हैं, की बेनिफिट लिख सकते हैं, डिस्कस तो नहीं हो पाएगा सब कुछ, डेफिनेटली डिस्कस नहीं हो पाएगा. सो हेयर डिस्कशन मीन्स राइट साइलेंट फीचर्स ऑफ यूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. आपके एफआई के नोट्स में जो के तो कवर्ड हैं. फिर इन दोनों का इंपैक्ट, इंपैक्ट लिख दिया कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स एनहांस लिक्विडिटी एंड ऑफर डाइवर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग ग्रोथ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट. और फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया पहले यूनिट पे, टू हेल्प नो टू एसेस वेदर यू नो द कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम और नॉट. सो कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम के 4-5 मेजर सेगमेंट्स हैं अगर देखेंगे तो. तो पहले तो डायग्राम बना दीजिए, पूछ भी लिया पेपर सेटर ने, दैट एक्सप्लेन द की क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. क्लासिफिकेशन हो गया 1, 2, 3, 4, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज, और एक और हो सकता है रेगुलेटर्स भी हो सकता था, रेगुलेटर्स
क्योंकि मैंने गूगल से जो ना कॉपी किया था तो मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा था, तो इसमें आप रेगुलेटर्स भी ऐड कर देंगे, वहाँ तो गूगल करना नहीं आपको क्योंकि कल मैं सुबह से शाम लगा हुआ था ये सारी चीज़ें निकालने में। मॉडल आंसर बनाना इतना आसान नहीं था, तो इतना बढ़िया एग्जाम में प्रेजेंट करना आपके लिए आसान नहीं है, मैं ही जानता हूँ, परसों से लगा हुआ हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, रिविजन रिविजन, तब जाकर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। मैं तो बैकग्राउंड की मेहनत करने के बाद समझा रहा हूँ। डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं, देयर वाज स्कोप, बिकॉज डिस्कस के अंदर जो ना देयर इज लॉट ऑफ स्कोप। इसी बात पे छोटा समोसा खा लेते हैं। शाम को दो चार पुशअप और ज्यादा कर लेंगे। कुछ एरर है क्या? मे बी सम एरर, कोई बात नहीं है, भूल चूक लेनी देनी, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड। कैलकुलेशन एरर है, आई थिंक देयर इज नो एरर, दिस इज 11.11, ये तो ठीक है। एंड दिस, सो 1 लाख डिवाइड 5,40,000 करेक्ट है, 1 लाख डिवाइड 5,40,000 परसेंट सही है भाई, 18.52% इज करेक्ट, बैठकर आराम से कैलकुलेट की हुई है। एरर इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी वैल्यू, अच्छा इक्विटी वैल्यू में एरर बता रहे हैं, 30,000 डिवाइड बाई पॉइंट, अच्छा ये 70 लेना चाहिए था मुझे ना, 70 राइट, ओके करेक्ट कर देते हैं, दिस इज 70,000 डिवाइड 0.125 करेक्ट, 5,60,000, सो दिस इज 5,60,000 प्लस 5,60,000, 8,60,000, भूल चूक लेनी देनी, 8,60,000 ठीक है, सो 1 लाख डिवाइड 8,60,000 11.63% करेक्ट, 11.63% आपको मैं करेक्टेड दूंगा, आई विल करेक्ट एंड देर आफ्टर ओनली आई विल अपलोड इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हाँ इसमें लीडिंग एंड इनोवेटिव में, यस स्ट्रक्चर, हाँ इसमें तो पेंसिल से ही करना पड़ेगा मुझे, रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स, तो रेगुलेटर्स में हो गया आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एक पेंशन फंड अथॉरिटी भी है ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह कुछ है, राइट ओके। सो डेफिनेटली इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बशर्ते कि आपको स्ट्रक्चर पता हो, डेफिनेटली शुड हैव ए गुड नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। हाँ इसमें सबसे बड़ा इश्यू क्या था कि राइटिंग द आंसर विद इन 3 पेजेस, नहीं, फिर तो इट वॉज ए 20 मार्कर क्वेश्चन, यू आर हैविंग इनफ स्पेस, सो राइट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, राइट ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, अच्छा क्योंकि मेरे डायग्राम में नहीं था, सो इन केस यू हैव नॉट रिटन समथिंग इन द डायग्राम, सो बाद में डाल दीजिए, दैट बिसाइड्स अबोव देर इज सेगमेंटेशन ऑफ रेगुलेटर्स ऑल्सो, कभी भूल चूक हो जाए तो भूल चूक को ऐसे सुधारें, बिसाइड्स अबोव देर इज, सो आरबीआई विच ओवरसीज मॉनिटरी पॉलिसी, सेबी, आईआरडीए, प्रोविडेंट फंड एंड डीए क्या है, सेविंग ऑफ पेंशन फंड एटसेट्रा, और उसके बाद ओवरऑल कमेंट कि दीज कंपोनेंट्स फॉर्म ए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया। और पेपर सेटर ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा कि इनको डायग्राम में बना के दिखाओ, इंटर फाइनेंशियल सिस्टम, मतलब पेपर सेटर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है, ठीक है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने कलेक्ट करने की कोशिश की है,
यूपीएससी के लोगों से, ठीक है। हाँ, वो कहते हैं सर सीएससीएस के ऊपर यूपीएससी ट्रस्ट नहीं करता। एक तो वो टफ क्वेश्चन ऐसा रख देंगे, ग्रेजुएट्स मारे जाएंगे। तो दिस इज ग्रेजुएट फोकस्ड क्वेश्चन पेपर, रियली ग्रेजुएट फोकस्ड क्वेश्चन पेपर। आप देखें व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाट इज मनी मार्केट, ठीक है। यहां पर ग्रेजुएट्स आसानी से लिख सकते हैं बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, 8B, डेफिनेटली दिस वाज इन हॉट न्यूज, और हमने भी अपने कैंडिडेट्स को जो है ना क्वेश्चन ये दिया था, ऐसे क्वेश्चंस दिए थे इसमें टेस्ट में, बिकॉज इंश्योरेंस सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर, इवन गवर्नमेंट हैज टेकन मेजर इनिशिएटिव, दैट्स व्हाई क्वेश्चन वाज आस्ट, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट अंडर डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ IRDA, सो यू हैव टू मेंशन रोल ऑफ IRDA ऑल्सो, इट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, तो ग्रोथ की बातें भी बतानी है आपको। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस द एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स, आपको याद है मैंने एमर्जिंग ट्रेंड्स दिए थे इस वाले बैच में, चलो अपने नोट्स में देख लो, एमर्जिंग ट्रेंड्स, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। चलो आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं दिखा देता हूं, एमर्जिंग ट्रेंड्स हमने इंक्लूड किए थे जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। न्यू सेट ऑफ नोट्स टू द पॉइंट एडवाइज बाय रमन बंसल, PDF कॉपी, इंश्योरेंस सबसे लास्ट में होगा। आप लोगों को इसकी PDF कॉपी दी जा चुकी है। इनोवेशन टेक्नोलॉजी इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, भैया देख लो, प्रूफ है यहां पे, आप लोगों के पास बुक है, एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, बस यूपीएससी ने चैलेंज नहीं पूछा, ठीक है, इट वाज कवर्ड। आकाश मैंने PDF कॉपी शेयर की है, इस बार हमने FI का सबके साथ PDF शेयर किया है, PDF FI ऐसा सब्जेक्ट है जिसका PDF सभी के साथ हमने शेयर किया है, बाकी सब्जेक्ट का शेयर नहीं करते, ठीक है। हाँ, किसी स्टूडेंट को जरूरत होने पे इमरजेंसी में हमें कुछ शेयर भी करना पड़ सकता है, बट एट इज एज ए पॉलिसी वी डू नॉट शेयर, क्योंकि वैसे ही लोग कॉपी करा लेते हैं तो शेयर करने की जरूरत क्या है। वी अप्रिशिएट कि हमारे नोट्स मार्केट में खुले तौर पर जाने चाहिए, उनसे कोई बिजनेस ना करे, बिजनेस करेगा तो बुरा लगेगा, अरे हम ही कर लेते हैं यार बिजनेस तो, ठीक है। नहीं, कुछ स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, रूम का खर्चा चलाने के लिए करते हैं तो चलेगा। तो भाई देखिए, इसमें भाई लोगों क्वेश्चन कवर कर रखा था, राइट, एमर्जिंग ट्रेंड्स आपके नोट्स में कवर्ड है, और हमने तो उससे भी आगे कवर कर रखा है, और यू आर आस्ट आल्सो एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स, वो भी आपके नोट्स में कवर्ड है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, ठीक है, FDI लिमिट बढ़ाया, IRDA गाइडलाइंस है, IRDA इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर जरूर लिखिए 30-40 वर्ड्स जो आप GS में कवर करते हो, एंड कंक्लूजन कीजिए कुछ चैलेंजेस के साथ। चैलेंज क्या है कि लो पेनिट्रेशन है इंडिया में इंश्योरेंस का, गाँव में अभी तक भी इंश्योरेंस नहीं लेते, शहरों में भी नहीं लेते इंश्योरेंस, ठीक है, बाद में हॉस्पिटल में जाने के बाद कहते हैं अच्छे से अच्छा इंश्योरेंस ले लेते, मैंने ले रखा है, मैंने ले रखा है 15 लाख की बेसिक पॉलिसी है, 25 लाख का जो है टॉप अप पॉलिसी लेती है, और घर में मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि छींक आते ही मुझे 40 से ले चलना। 2 दिन जो है ना मेडिकल टूरिज्म कराएंगे, अपर कैप है, नहीं अब पॉलिसी दूसरी ले रखी है मैंने, तो मेरी जो डॉक्टर है ना स्पेशल डॉक्टर, मैं कहता हूँ इसको कुछ भी हो जाए तुरंत हॉस्पिटल ले चलो, उसको भी इंश्योरेंस में कवर कर लिया। हाँ ठीक है, बट पेनिट्रेशन लो है, नहीं मैंने दोनों करा रखा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है 2 CR का, हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है 35 लाख का, ठीक है, बाकी आप लोगों ने मेरा इकोनॉमिक इंश्योरेंस आप लोगों ने कर रखा है पिछले 20 सालों से स्टूडेंट्स ने, ठीक है, वी आर इकोनॉमिकली सेफ एंड That happiness is reflected in guiding you also. Okay, done. चलिए last question पे आते हैं. With this we will finish it.
लास्ट क्वेश्चन, डिफाइन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म। देखिए मैन्युफैक्चरिंग फर्म बार बार यूज करो, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बार बार मैन्युफैक्चरिंग लिखना है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है, व्हाट इज स्पेशल इन ट्रेडिंग फर्म? इन ट्रेडिंग फर्म देयर इज नो रॉ मटेरियल, देयर इज नो WIP, ओनली ट्रेडिंग गुड्स आर देयर। नहीं, फिनिश्ड गुड्स भी नहीं होता ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में फिनिश्ड गुड्स नहीं होता, ट्रेडिंग में फिनिश्ड गुड्स नहीं होता, फिनिश्ड गुड्स नहीं होता ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग गुड्स होता है। अगर आप पीएनएल का नया बैलेंस, सॉरी पीएनएल का नया फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें चार तरह की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स एंड ट्रेडिंग गुड्स। ट्रेडिंग गुड्स वो होते हैं जो आप बाहर से परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उनको आप कहें मेरे फिनिश्ड हैं, सिर्फ उसके ऊपर नाम लगा दिया फिर कहें फिनिश्ड हैं, तो कमाल हो गया, ठीक है। सो इसमें आपको जो इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, कैश, सो सारी तरह की जो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी मेंशन करनी। तो अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का एग्जांपल कैसे आएगा, इसकी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स आर क्रूशियल फॉर द प्रोडक्शन कंटिन्यूटी। ये पूछा की कंपोनेंट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल, वो तो कंपोनेंट आपको पता है, लेकिन यू हैव टू राइट विद फोकस ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म। इंपॉर्टेंस क्या है, यू आर आस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मोर इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सिंपली अगर इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई या ज्यादा होगी, दोनों नुकसानदायक। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट प्रॉब्लम्स विद शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रॉब्लम्स विद हाई इन्वेंट्री लेवल। प्रॉब्लम्स विद शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री बताइए क्या क्या होगा, ऑनलाइनर्स बता दीजिए, आप कुछ तो बता दीजिए ऑनलाइनर्स, फेस टू फेस वाले सब बता रहे हैं, लास्ट है 5 मिनट तो पार्टिसिपेट कर लीजिए। प्रॉब्लम्स विद शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, नहीं सबसे पहले क्या होगा, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया तो क्या होगा, आइडल मशीन्स, ऑनलाइनर्स लिखिए प्लीज, आइडल मशीन्स और आइडल लेबर और सप्लाई डिसरप्शन, वेरी गुड, और नॉट मीटिंग कमिटमेंट टू कस्टमर्स और लॉस ऑफ कस्टमर्स, लॉस ऑफ गुडविल, राइट। एंड यू विल हैव टू मेक एमरजेंसी परचेज, you have to make emergency purchase also, and high variable cost also, और over inventory हो गया तो क्या होगा वो भी बताना जरूरी है। so cost of capital of investment in inventory, another wastage होगा, warehouse, और क्या होगा outdated हो जाएगा। so you are expected to write that inventory management is essential for profitability and efficiency, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना था कि रिलेटिवली कैश इज आइडल एसेट, कैश तो आपके पास सफिशियंट होना चाहिए, और आज कैश की कमी नहीं है, इन्वेंट्री की कमी है। आज तो कैश ले लिए, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके चारों तरफ बैठे हैं। इफ यू आर हैविंग गुडविल देन यू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, वाई टू हैव कैश बैलेंस। मैं एक छोटी सी कोचिंग चला रहा हूं, मेरे पास कैश बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास 1,80,00,000 का ओडी फैसिलिटी है। कितना, 1,80,00,000। अगर आप मैं कैश रखूं 1,80,00,000 तो नींद हराम नहीं हो जाएगी, उसकी सिक्योरिटी करो, उसका इंटरेस्ट होगा, और सिर्फ 20,000 एनुअल जो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है, अगर मैं विड्रॉ नहीं करता हूं तो 20,000, ठीक है। सो कैश मैनेजमेंट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। अपनी पर्सनल बातें भी मैंने बता दी हैं, सो दिस इज फॉर टुडे। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल दे दिया, हाँ यहां पर कॉर्पोरेट एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं उनको मेंशन कीजिए। अब आपको कंपटीशन, रियली कंपटीशन है यूपीएससी में। ये क्वेश्चन पेपर देखने के बाद डेफिनेटली इजी गोइंग नहीं है, इजी गोइंग है तो यू विल गेट 125 मार्क्स पेपर वन, 125 मार्क्स पेपर टू। इफ यू आर हार्ड वर्किंग गाय और गर्ल, हार्ड वर्किंग, राइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, होल्ड अच्छा होना चाहिए, मेमोरी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड सो की स्पीड में फिर आपके आंसर लिखे जाने चाहिए। सो आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोज वो आर ऑलरेडी डूइंग आंसर राइटिंग, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ी सी पब्लिसिटी कर देता हूँ, जो आंसर, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप इंटेंसिव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए। क्लासरूम कोर्स की आंसर राइटिंग ऑलरेडी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनका कोर्स पहले पूरा हो चुका है, सिर्फ चैप्टर लेवल आंसर राइटिंग कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं हम, ठीक है। अब से लेकर दिसंबर तक चैप्टर लेवल टेस्ट चलेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में सब्जेक्ट लेवल टेस्ट चलेंगे, प्रीलिम्स के बाद कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होंगे, राइट। और जो क्लासरूम कोर्स में तो हम फिर लाइव कंसेप्ट टेस्ट भी कंडक्ट कराते रहते हैं, काफ़ी कैंडिडेट लिखते नहीं हैं,
कुछ लिखते हैं, रिजल्ट भी उसी प्रपोर्शन में आता है, ठीक है. सो वर्क हार्ड, राइट. सो यू कैन आस्क योर क्वेरीज. थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने फिनिश किया क्योंकि मुझे पता था आप लोगों का पेशेंस इतना परमिट नहीं करेगा 3 आवर्स तक, ठीक है. और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लें, फीडबैक दे दीजिए, टेलीग्राम पे डाल दूंगा ताकि उसका कुछ फ़ायदा मिले रैंकर्स क्लासेस को. अगर आपको 9818368606, ठीक है, फीडबैक किस पे देना है, मॉडल आंसर देंगे उस पर फीडबैक दीजिए. आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा उसके लिए फीडबैक दीजिए. रैंकर्स क्लासेज आपके लिए यूजफुल है उसके लिए फीडबैक दीजिए, ठीक है. योर फीडबैक इज़ वेलकम. हाँ, आपके नाम के ऊपर जो मास्किंग करके हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, दूसरे लोग मोटिवेट होंगे. इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो, फॉर रैंकर्स आल्सो, ठीक है. इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी आफ्टर रीडिंग मॉडल आंसर्स, यू कैन आस्क मी क्वेरीज बाई व्हाट्सएप और बाई कॉल, ठीक है. 9818368606 इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है. आजकल मेरे पास स्ट्रेटजी मेकिंग का टाइम ज़्यादा होता है, क्लासेज में टाइम मैं कम लगा रहा हूँ. नाउ रैंकर्स क्लासेज वर्किंग विद 3 CAs, सी ए आरस अग्रवाल, सी ए दिशा अग्रवाल, सी ए जीवन, राइट. वी हैव डिवाइडेड द वर्क. नाउ कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर्स वी हैव इंटेंसिफाइड द क्वालिटी ऑल्सो, ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज टेस्ट ऑल्सो, क्वालिटी मटेरियल ऑल्सो, एवरीथिंग वी आर मेकिंग सुपर, राइट. थैंक यू, हैव ए गुड डे. जीवन, वॉन्ट टू से एनीथिंग? नहीं, पहले थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा उसमें, उसके बाद हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, ठीक है. वी विल अपलोड ऑन टेलीग्राम. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अपीयरिंग फॉर द सेशन, एंड इट इज इंस्पायरिंग सीइंग ऑल ऑफ यू इन सच ए ह्यूज नंबर.